हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसको और थोड़ी सही में सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्णम विष्णु पाद स्त्रोत्र सदश्री इनको गात कर सकते त्रिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्णम विष्णु पाद स्त्रोत्र सदश्री श्री श्री मात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को भी यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमती राधा रानी रावल में श्री वृषभानु महाराज जी की लाड़ी भी बज करके जन्म ग्रहण करती है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय हो। बोले जिस समय श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को गोकुल में रख करके वहां से लड़की को लेकर के मथुरा में कंस के कारागार में प्रवेश की, प्रवेश करते ही वो बच्ची रोना प्रारंभ कर दिया। इतने में पहरादार जग के और कंस को बोले, बोले कंस तेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस सुनते ही वहां से भागते भागते कंस आया, आकर के देखा घर में बेटा नहीं, घर में एक बेटी जन्म हुई है। देवकी ने बड़ी प्रार्थना की, बोले भैया तुमने मेरी छह छह बच्चों को तुमने मार डाले हो, कम से कम एक बेटी तो तू छोड़ दे। लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था, बोले आकाशवाणी हुई थी। देखो आकाशवाणी क्या हुई थी, उन्होंने ये नहीं बताया बेटा होगी ना बेटी होगी, वहां पर केवल संतान का ही नाम आया। अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बन करके आएगा, नहीं तो कंस को मन में शंका हो जाता जब बेटा तो बताया था वो बेटी कैसे हुई। इतने में कंस जब वो लड़की को पकड़ी, अभी तो बहुत ही जोग माया, कंस तो जोग माया को स्पर्श कर नहीं सकता है, स्पर्श करते ही हो गई महामाया। जब उसने पछाड़ने के लिए गया इतने में वो आकाश में उड़ गई, अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली, बोले रे मोरा कंस तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अजत्र जन्म ले चुका है। उसने देखा ये तो मेरी कुलदेवी, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता है। उसने सबके सब अघासुर बकासुर पिनाबंध पुतना सबको उसने बुलाई, बुला करके उन्हें मिट्टी किया, बताओ अभी क्या करनी चाहिए, पुतना माँ से खड़ी हो गई। बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है, पूत नाम, पूत मतलब पुत्र, नाम मतलब नहीं, इसका पुत्र नहीं, जब पुत्र है नहीं ये पुत्र का क्या काम है। अगर तेरे कहीं काल जन्म हुआ होगा वो तो एक महीना अंदर में जन्म होगा ना। बोले हाँ। बोले मेरे को आदेश दे, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, सारे बच्चों को मैं मार डालूंगी। बोले बहन तो जल्दी जल्दी ये काम तो करो। इतने में पुतना आ गई गोकुल में आ गई। बोले कंसना प्रणीता घोरा राक्षसी बालधारी। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, यदि जो वृंदावन जो धाम है, जो गोकुल धाम है, बोले गुणातीतम परम ब्रह्मम, ये त्रिगुण से अधीत है, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो ये वृंदावन धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। बोले नजत्र श्रवणादि घनासु सकर्मसु, कहती ये पाप कहाँ प्रवेश करती हैं, ध्यान देकर सुना, कहती जितने दुख कष्ट पाप कहाँ प्रवेश करती हैं। बोले जहाँ पर भगवान का कीर्तन नहीं, भजन नहीं,
पूजा पाठ में वहीं पर पाप ही प्रवेश करती है, वहीं पर पाप प्रवेश करती है। लेकिन गोकुल तो भगवान का धाम है, जहाँ पर साक्षात परम ब्रह्म परात्पर तत्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का नायक जो कृष्ण जहाँ पर जन्म हुई। पर ये पुतना मासी के साथ ये पापी कहती है ठाकुर जी की इच्छा है। बोले ठाकुर जी की इच्छा मतलब क्या? अगर पुतना नहीं आती बैठ कर हम कथा किसको सुनते हैं? रावण नहीं आता रामायण हो सकता था? कंस नहीं आता फिर क्या कृष्ण लीला हो सकती थी? इसलिए जिन जिनियों को हम देख रहे हैं ये भगवान की विरोध करने वाले हैं। दूसरे तरफ में देखोगे ना प्रभु की लीला को मदद करने वाले भी यही है। इसलिए माना ठाकुर को इच्छा से पुतना आ गई। लेकिन जब ब्रज में पुतना आई इतने सुंदर सज धज करके, क्या उसकी चाल, क्या इसकी तिरछी की तलवार, क्या उसकी श्रृंगार, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे लग रहा था मानो भगवान ब्रज में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से उतर कर जा गए। इतने में सबके सब लोग देख रहे थे इसको तो हमने कभी देखो ही ना, ये कहाँ से आई, इतने सुंदरी कहाँ से आई, सब के सब चर्चा कर रहे थे। लेकिन अभी 6 दिन हुआ है लेकिन भगवान कृष्ण जब जन्म हुए पता नहीं कितने दिन तक ये जन्म महोत्सव चली। जहाँ जाए एक ही बात है, बोले तुमने देखा देखा है क्या सुंदर नंद जसोदा के एक लाला हुआ है, देखने में तो कारो कारो लेकिन दुनिया को उजाला करने वाले क्या सुंदर है। इतने में ये जो पुतना थी सबके साथ में हिल मिल करके सीधा चली गई नंद भवन में। देखा कृष्णा लेट हुए हैं। इतने में पुतना कहती है मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, इसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। सीधा कोई बोल चाल नहीं, सीधा उन्होंने गोद में उठा लिया। तब यह प्रश्न करते हैं आपका घर में कोई अज्ञान व्यक्ति आए बिना पूछे आपका बच्चे को उठा लेगा? बताओ ये कुछ तो बोलोगे, भैया तू कहाँ से क्यों आए हो, क्यों बच्चे को गोद में ले रहे? फिर उन्होंने बोले नहीं दी। जब ये पुतना देखने में इतने सुंदर थी मैया सोच रही थी कृष्ण जितने सुंदर हैं अगर माँ बनने का यही लायक, मैं माँ बनने का लायक ही हूँ। मतलब इतने सुंदर थी उनकी हिम्मत नहीं हुआ कुछ पूछने का। लेकिन जब गोद में उन्होंने उठाए कृष्ण ने आंख बंद कर दी। तब हमारे टीकाकारों ने पता नहीं कितने कितने कारण बताते हैं कृष्ण आंख बंद क्यों की। हम भी 5 4 4 5 कारण सुनते हैं। पहला नंबर है कृष्ण आए क्यों? बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इसलिए जगत में आते हैं दुष्टों को विनाश और संतों को परित्राण करने के लिए आते हैं। अभी ठाकुर जी श्री गणेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले किसको मारेंगे? पुतना को मारेंगे ना। अभी श्री गणेश करने जा रहे थे इतने में कृष्ण ने देखा अगर मैं आंख खोलूंगा मेरे सामने ये पाप कभी अभी तक टिक नहीं सकती, ये जल भूल कर खत्म नहीं हो जाए, अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं मारूंगा किसको। इसलिए मानव ठाकुर जी ने आंख बंद कर दिया। दूसरा कारण है बच्चों का स्वभाव है, अगर कोई घर का सदस्य होगा उसका गोद में तो चले जाते हैं, कोई बिना परिचित का कोई लोग हो देखना बच्चे गोद में जाना नहीं चाहता। बोली कहाँ से दाढ़ी के आ गई, इसको कभी हमने देखो ना। इसलिए ठाकुर जी आंख बंद कर दिए। तीसरा कारण बताए बोले तू गोकुल में क्यों आए? बच्चों को मारने के लिए? यहाँ पर तो मेरे सारे सखा सखियाँ हैं इनको मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहते। चौथा कारण बताए बोले पुतना को अभी मैं मारूंगा, अभी तो पुतना छटपट आएगी जो कुछ हो, लेकिन ये तो माँ के रूप धारण करके आई ना, इसकी कष्ट मैं कैसे देख सकता हूँ। इसलिए मानो ठाकुर जी आंख बंद कर दिए।
इसका पंचमा कारण कहते हैं, इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य किया है क्योंकि मेरे को ज्ञान करने के लिए मेरा दर्शन इतने आसान नहीं। इसलिए कहते हैं ना, बोले जनामा मोनी जाता ना कराई, अंतरामा करिया पतनाई। बोले मुनि लोग जन्म जन्मांतर से जत्न करने पर भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे को गोद में ले रही है। पूर्व जन्म में उसने ऐसे कौन सा पुण्य किया। देखा सचमुच से मैं जब बली महाराज की है दरबार में बामन बन करके गया था, ये बामन उसी समय बली महाराज की बेटी रखने वाला थी। इसकी मन में इच्छा हुई, अगर ऐसे एक लड़का मेरे घर में होता तो दिन भर में इसको गोद में लेकर के मैं प्यार करती। लेकिन दो पग में जब सब कुछ ले लिया, तीन पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, उसी समय में उन्होंने वर्म पास में बांध दिए। इतने में इनका बेटी ने सोची, अगर तू मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, मैं तेरे को जहर पिलाऊंगी। देखा वही बली महाराज का बेटी ही पुतना बन करके आई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक कारण बताते हैं, भगवान अभी जहर पान करेंगे, भगवान के पेट में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है। अगर भगवान जहर पान करेंगे तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। सारे विश्व ब्रह्मांड घबरा गए, हे प्रभु त्राही माम रक्षा करो, आप ये जहर को पान मत करो, पान करेंगे तो आपकी गर्भ में तो विश्व ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे। इतने में ठाकुर जी भोले बाबा को याद किया, ओ भोले जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्यों किया, तेरा काम है बीस पीना और मेरा काम है दूध पीना, इसलिए तू बीस बीस को पी ले, मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। ऐसे ही हमारे टीकाकारों ने इतने कारण बताए भगवान क्यों आंख बंद किए। मानो इतने जब उसने गोद में लेकर के मुंह में स्तन दीना, भगवान स्तन क्या पान करेगी, भगवान उनको प्राण को श्वसन किए। इतने में पूछना, देखा 6 दिन का बच्चा, ये तो मेरे प्राण को ये श्वसन कर रहा है, माँ मुंच मुंच, ये तू छोड़ दे मेरे को छोड़ दे। भगवान बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है, अगर एक बार किसको पकड़ लो ना, मैं किसको कभी छोड़ना मैंने सिखाई नहीं कभी, इसलिए जब तक अपना चरण में स्थान नहीं देता हूँ मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पुतना सारी ताकत लगा दी लेकिन तस से बस नहीं कर पाई। पुतना सोच रही है, अगर किसी तरह से इसको ले करके मथुरा चला जाऊँ, भैया कंस सोचना कुछ करेगा। इतने में पुतना असली रूप में आ गई, हे कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली। आकाश में जो उड़ते हुए जा रही थी, जितने वहां पर मैया जसोदा और रोहिणी जितने गोपियां बोली, ये क्या हुआ, हमर लाला को लेकर कहाँ ले जा रही है, उसको पीछे पीछे भागे। लेकिन गिराया घाट पर कहते कंस का एक सुंदर बगीचा था, सुंदर फल फूल से भरा हुआ, सबसे सुंदर। लेकिन कंस का निर्देश था, यहाँ का फल और फूल कृष्णा और कृष्ण की ब्रजवासियों को सेवा में नहीं लगनी चाहिए। कृष्ण बोले दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, मैं भक्त के लिए बनाया, लेकिन मेरे को और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, और जितने कंस और जितने उनकी चारों को मिलेगा। अभी मैं दिखा था उतना को उड़ा के लिए ले गए और उसी बगीचा में धड़ाम करके गिराए। लेकिन ब्रजवासियों का कोई चीज नष्ट नहीं हुआ, सारे पेड़ पौधा फल फल को उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ ध्यान देकर सुना, कम से कम इतनी सी बात लेकर के जाओ। इसलिए उपनिषद कहता है कि जो विश्व ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये दुनिया को बनाया किसने, बताओ दुनिया को कौन बनाया, भगवान बनाया। इसलिए कृष्ण कहते हैं इस सर्वम जत किंचा जगत या जगत
तेन और चैतन्य भूमिका। घर में जो कुछ बनता है भगवान को भोग लगा करके खाया करो। भगवान कहते हैं अगर भगवान को भोग नहीं लगाओगे ना, ठाकुर को सेवा में नहीं लगाओगे तो वहाँ पुतना माँ से उठते हुए आ जाएगी। फिर क्या करेगी, ऐसे घर में गिरेगी ना, सत्यानाश कर देगी। इसलिए घर से प्याज लहसुन निकाल देना चाहिए। घर में जो खाना बनता है सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया करो, नहीं तो पुतना घर में आएगी। घर में यह हमारे टीकाकरण लोग कह रहे हैं। अभी सारे ब्रजवासी वहां से भगे, हमारे लाला को कहाँ ले जा रहे हैं। देखो वहां पर परी पड़ी हुई वहां पर, लेकिन पता नहीं चला, कृष्ण ने ही मार दिया। किसने सोचा शायद ठोकर खा कर गिर गई और नारायण की कृपा से लाला बच गया है। बोले लाला कहाँ पर है, देखा उसकी छाती के ऊपर में किलकारी मारते हुए फैल रहा है। बोले पुतना कितने बड़ी थी, बोले 3 गब्बियों थी। कहते एक गब्बी थी, कहते 8 महीने, इसलिए 3 गब्बी मतलब 3 8 8 24 महीने थी। कभी कभी ब्रज के सब लोग कहते हैं वो इतना बड़ी थी, जहाँ पर उसका घर शरीर गिरा उसका नाम पड़ गया आगरा, जहाँ पर उसकी अलंकार गिरी उसका नाम पड़ गया अलीगढ़, जहाँ पर इसका मूड गिरी नाम पड़ गया मुरसान, जहाँ पर उसकी हाथ गिरी उसका नाम पड़ गया हाथरस पड़ गया। मतलब इतने बड़ी सी पुतना थी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले अभी अभी कृष्ण को कैसे उतारा जाए, बोले सीढ़ी लाओ। अभी सीढ़ी लगा करके जो ऊपर चढ़ रहा था ना, बोले अगर ये बीच में जल जाएगा तो जीता जी खा जाएगा। इसलिए डरते हुए ऊपर से कृष्ण को उतार करके लाए। और मैया यशोदा जब कृष्ण को स्तन पान कराई, कृष्ण जब स्तन पान करते हुए थोड़ी मीठी मीठी हंसे, बोले लाला ठीक आ गया, लाला का तुझे बिगाड़ा नहीं है। मैया यशोदा क्या करती है, कहते ब्रज रज को लेकर के कृष्ण की द्वादश अंग में तिलक धारण करती। देखिए जो तिलक लगा है ना, हमारी बात छोड़ दो, मैया कृष्ण को रोज ये तिलक लगाया करती है, ये तिलक लगाया करती थी कृष्ण को। बड़े बड़े लाला को केशव देव रक्षा करे, उदर को नारायण रक्षा करे, वक्ष को माधव रक्षा करे, कंठ को गोविंद रक्षा करे। कृष्ण मन मन में हंस रहे थे, देखो मेरे नाम की कितने महिमा, मैं स्वयं नाम ही कृष्ण, लेकिन मैया मेरे नाम को पढ़ा करके पढ़ करके मेरे को रक्षा मंत्र कर रही है। इसलिए क्या कहते हैं, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकलाया परिणाम, अंत में निकलाया परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। आज सागर को लंग सके ना, बिना फूल के राम सागर को लंग सके ना, बिना फूल के राम पर। अभी प्रश्न कहते हैं कृष्ण ये 6 दिन में पुतना जी क्यों मारे, क्या कारण। बोले कारण है जब भगवान कृष्ण जन्म हुए इतने सुंदर थे, ब्रजवासी उनका परी परी कर रहे हैं,
सब लोग ने जिन्होंने एक बार देखा बोले क्या सुंदर देखने में लाला है। लेकिन पहले नियम था ना 21 दिन तक घर से बच्चे को नहीं निकालते थे, कंडा जला करके सिखाई करते थे, अपवित्र रहते थे। अभी पुरुषों लोग स्त्री लोग तो अंदर में चली जाती हैं, लेकिन पुरुषों लोग कोई भी अंदर में नहीं जा पाते। अभी ब्रजवासियों का मन में इच्छा ही था ना तो दर्शन करे। अभी कृष्णा भक्त वत्सल देखा अपना भक्तों को दर्शन दे तो कैसे दर्शन दे, इसलिए उसने पूतना मासी को बुलाना है। और पूतना जब कृष्ण को पकड़ कर बाहर निकाल लिया ना, जितने सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और लाला को दर्शन करके जीवन को धन्य बनाए हैं, जीवन को धन्य बना दिए। अभी सोच रहे हैं शरीर, इतने बड़े शरीर को हम करे किया, वो तो पापी है, बोले जला दो। बोले जलाए तो उतना लकड़ी भी तो चाहिए, बोले पहले से गिर करके सारे पेड़ पौधा टूट गया था, बोले उसी में ही आग लगा दो। जब आग लगाया उसके शरीर में सुंदर सुंदर भरपूर अगर की खुशबू आ रही है, सारे ब्रजवासी वहीं पर इकट्ठे होकर के लाला को दर्शन किया। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप भी ध्यान लगा कर सुनो। कहते अगर किसको भक्ति करना है ना, बोले किसको भक्ति करनी चाहिए, बोले भगवान कृष्ण को भक्ति करो, इधर उधर देवादेवी को भक्ति मत करो। बोले क्यों, इसका रहस्य सुन लो, क्यों दूसरे दूसरे देवादेवी को भक्ति नहीं करनी चाहिए, कृष्ण को ही भक्ति क्यों करनी चाहिए कांची बिहारी को, इसकी रहस्य आप अच्छे तरह से सुनो। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले पुतना लोक वाला राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया हरे स्तनम तत्वाप सदगति। पहले गिनाते हैं ये पुतना को अंदर में कितने दुर्गुण हैं। पहला नंबर ये पुतना मतलब जो पवित्र थी नहीं अपवित्र थी। दूसरे नंबर में बच्चों का खून पीते थी। तीसरे नंबर में राक्षसी। चौथी नंबर में भगवान के लिए जहर लेकर के आई, उसकी अंदर में कोई भी सद्गुण नहीं थी, सारे असद्गुण। लेकिन हमारी जो कांके बिहारी इतने दयालु, उसने केवल थोड़ी नाटक की है। बोले मैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए, केवल नाटक और कुछ नहीं की। लेकिन ठाकुर उसको द्वारा क्या भेज दिए, बोलो का वृंदावन ठाकुर भेज दिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। अगर पुतना कृष्ण के लिए जहर लेकर के आई थी, अगर कोई व्यक्ति भगवान के दरबार में आए भले ही कुछ नहीं लेकर के आए, खाली हाथ में आए, लेकिन थोड़ी श्रद्धा भक्ति लेकर के आए, नहीं तो उनके लिए कोई एक फूल ले आए, नहीं तो उनके लिए एक फल ले आए, नहीं तो उनको सबसे प्यारा चीज मक्खन मिश्री, अगर कोई मक्खन मिश्री लेकर के आए तो ठाकुर जी क्या नहीं। पहला नंबर। दूसरा नंबर थी राक्षसी। अगर ठाकुर राक्षसी को अगर इतने बड़े गति दे सकते हैं, अगर कोई इंसान ठाकुर जी को पास में आए, थोड़ी सी शुद्ध कपड़ा पहन करके ठाकुर जी को पास में आए, नहीं तो उनको कोई कोई भक्ति करने वाले कोई भावना लेकर कोई भक्त आए, फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे। तीसरा नंबर में आई थी कौन, बोले पुतना। पुतना मतलब कौन, बोले जो पवित्र नहीं अपवित्र थी। अगर ठाकुर जी माता जी वहीं रख लो उनको, कोई अगर अपवित्र रूप में अगर कोई आती है, अगर ठाकुर जी उसको इतने पवित्रता इतने वैकुंठ धाम दे सकते हैं, अगर ठाकुर के पास में जैसे हम लोग आए हो, अच्छे अच्छे सब साड़ी पहन करके आए हो, कपड़े पहन करके आए हो, फिर ठाकुर जी उनको क्या नहीं देंगे। चौथा नंबर में बताइए वो थी राक्षसी। अगर ठाकुर जी राक्षसी को अगर इतने बड़े पद दे सकते हैं, फिर भैया अगर कोई इंसान ठाकुर के पास में आए, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहते गुना अपगुण प्रभु देखो ना काम। ठाकुर कभी तुम्हारी अपगुण का प्रति नजर नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे।
है। लेकिन देखो, अगर किसी दूसरे देवादेवी को पूजा करो, अगर तुम्हारी भक्ति में नहीं तो मंत्र में थोड़ी सी इधर उधर हो गया, देखना लेना को देना पड़ जाएगा तुम्हारी, एकदम उल्टा रिएक्शन होगी। कोई भी दूसरे देवादेवी को पूजा करो, कृष्ण को बांके बिहारी को छोड़ करके, थोड़ी सी कोई गड़बड़ी होगी, आपका खैर नहीं। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करोगे, लेकिन तुम्हारी भाव अच्छी, लेकिन वस्तु पवित्र नहीं तुम्हारी पास में, लेकिन तुम्हारी भाव अच्छी है ना, ठाकुर जी तुम्हारी वस्तु को नहीं देखेंगे, तुम्हारी अंदर में भावना को देखेंगे बांके बिहारी। क्योंकि जो बांके बिहारी वो कौन है, कहते हैं ना, तुम्हें माता जो पिता तुम्हें जो बच्चे बिहारी है ना, वो हमारी माँ है। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में टाटी पेशाब कर देता है, बताओ माँ क्या करती है, फेंक देती है, साफ करती है। अरे बोला साफ करती है ना, फेंक देती है, साफ करती है ना, खुश होती है। उसी तरह अगर तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो, कुछ गड़बड़ी होगी ना, ठाकुर जी तुम्हें फेंकेंगे नहीं, क्यों, वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता है। लेकिन दूसरे देवादेवी हमारे साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, संबंध तो कृष्ण के साथ में है, क्योंकि वही हमारी पिता माता है। इसलिए हमारी गलती भावना ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। बोले श्री बांके बिहारी की। इसलिए यहाँ पर भगवान सर्वप्रथम पूतना को मारे। आप लोग बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे, कौन बोलेगा किसको मारे थे? देखो ये दोनों ठाकुर एक ही शिक्षा देते हैं। ये पूतना मतलब होता है जो पवित्र नहीं अपवित्र है। भगवान देते हैं, अगर मेरे को दिल में बैठा ना तो पहले ये अपवित्रता को साफ कर। लेकिन भगवान राम हमारे तारका को, तारका मतलब क्या है, बोले तारा यति तारका, जो जीव को भगाता है। संसार हमें कौन भगा रहे हैं, संसार में काम क्रोध लोभ मोह यही हमें भगा रहा है। इसलिए मानो दोनों ठाकुर एक ही शिक्षा हमें देते हैं। तारका कितना अक्षर है, तीन अक्षर है। पूतना कितना अक्षर है, तीन। उतना भी राक्षसी स्त्री और तारका भी स्त्री है। मानो दोनों प्रभु एक ही लीला हमें तो द्वारा शिक्षा देते हैं, मेरे को हृदय में बैठाना तो पहले तारका को और पुतना को हम पहले सबसे पहले मारो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा गए हुए थे मथुरा कंस को कर देने के लिए, वहां पर वसुदेव महाराज से मिले। वसुदेव महाराज गुप्तचरों से खबर लिया, बोले बताओ अभी कंस क्या कर रहा है। गुप्तचर ने बोला कंस अभी पुतना को भेज दिया, एक महीना में कोई भी बच्चा जन्म लिया मार दो। इतने में नंद बाबा जो वसुदेव महाराज से मिले, इतने भाई भाई लगते हैं ना, दो भाई लगते हैं। इतने में वसुदेव महाराज बोले नंद ज्यादा समय मत रहो, तू जल्दी जल्दी गोकुल चला जा, क्योंकि उनको पता है ना राता राते मैंने कृष्ण को छोड़ करके आया हूँ, कोई विपत्ति पड़ सकती है। सचमुच से नंद बाबा आकर के देखा पुतना मरी पड़ी हुई। बोले भैया वसुदेव तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, वो सही बता रहा था। बोले लाला को तो लेकर के जा रहा था, किस ठोकर खा कर गिर गए तो मर गई है। नंद बाबा बोले देखो सावधान, अंदर में एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने में क्या करना, कड़ी बाधा लगा दी। इतने में शंकर जी देखा, प्रभु का सारे लीला तो दर्शन की, लेकिन ठाकुर जी की बाल्य लीला का मैंने दर्शन नहीं की। भगवान होकर के जब रोते हैं, मैया उनको दूध पिलाती है। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके कृष्ण को चलाना सिखाती है। ये लीला का हमने कभी देखो ही ना। इसलिए शंकर जी बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आए। लेकिन शंकर जी का एक नाम है सत्यम शिवम, बोलो सत्यम शिवम। लेकिन शंकर जी का तो बोलते सुंदरम है, लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का ड्रेस देखोगे ना, बड़ा अपवित्र है। बताओ शंकर जी क्या कोई पाउडर क्रीम लगाते हैं, क्या लगाते हैं शरीर में? बहुत ही कहाँ की शमशान की, क्या उनको कोई क्रीम मिला नहीं, कोई पाउडर मिला नहीं?
हैं, कोई चंद्र नहीं मिला। देखो शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं, पर जिस शरीर को तुम इतने प्रेम करते हो ना, जानते हो इस शरीर का परिणाम क्या, एक दिन शमशान का दो मुठी दांत बनने वाले, इसलिए गले में हड्डी की माला। ये शरीर का परिणाम हड्डी, इसलिए भैया शरीर को ज्यादा प्रेम मत करो, प्रेम करना तो बांके बिहारी को प्रेम करो, ठाकुर जी को प्रेम करो। शंकर जी बैठते हैं, भैया ये शरीर में जो समसा, इस शरीर में कुछ ताकत है। बोले क्या है? हाँ देखो, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग सुने क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? अरे बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, लेकिन देखना कब तक ये बोलता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात होता है, यही बोलते हैं। लेकिन कब तक वो बोलते हैं? बोले जब तक उसको कंधे पर ले जाते हैं। लेकिन जब कंधे से उतार देते हैं ना, बोले राम नाम सत्य नहीं, सत्य नहीं है, सच्चा तो हमारे बीवी बच्चे दुनिया सत्य है। इसलिए शंकर जी ने देखा, भैया इसी शरीर में ना कुछ कंधे पर जब तक धारण कर गए राम नाम सत्य है। इसलिए शंकर जी जब शरीर में वो बहुति को धारण करते हैं, वो बहुति को देख करके शंकर जी को याद आता है। क्या याद आता है? भैया ये शरीर में प्रेम मत करो, ये शरीर दो मुठी रात बनने वाले, प्रेम करना तो श्री भाग्य बिहारी राम को प्रेम करो। इसलिए शंकर जी पंच गोस्वामी जी कहते हैं, पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी, महामंत्र जयी जपत महेशा। इसलिए शंकर जी पंचमुख में क्या करते हैं? भगवान की नाम को जप करते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है? धतूरे और आकर्ग, जो वृक्ष कोई नहीं लगाते, जहरीले। बोले क्यों? क्या वो बेली चमेली केतली मालती ये फूल ग्रहण नहीं कर सकते हैं? शंकर जी है कौन? शंकर जी, शंकर जी को भागवत में बताया वैष्णव नाम यथा संभो। भगवान के सबसे प्यारे भगत श्री शंकर जी है, वही तो हनुमान बन करके आए ना, प्रभु की सेवकाई करने के लिए। बोले अगर जितने सारे फूल अगर मैं ग्रहण कर लू, मेरे प्रभु राम और बांके बिहारी की सेवा में क्या लगेगी? इसलिए वो चंदन नहीं लगाते हैं। बोले चंदन लगाऊंगा तो मेरे भक्त सारे चंदन लाकर फिर सर पर डालेंगे, फिर मेरे प्रभु की सेवा में कमी हो जाएगी। शंकर जी शरीर में अलंकार क्या धारण करते हैं? कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं, क्या अलंकार धारण करते हैं? शंकर जी सर्प को, ये सर्प कौन है? ये अनंत देव है। ये अनंत देव कौन है? यदि ये संख्यात शंकर जी गुरु है। इसलिए देखना अनंत देव कान में क्या करते हैं? अनंत देव कहते हैं कि अब अनंत होने अनंत समय से अनंत हरि कथा कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत है। शंकर जी के कान में हर समय अनंत देव भगवान की कथा सुनाते हैं। इसके गुरु जी को जीवन में भूषण बना रहे, शिक्षा देते हैं, भैया ये सोने चांदी को मत भूषण मत बनाए करो, ये सब निकाल लेंगे। लेकिन गुरु जी की उपदेश को अगर भूषण बनाओगे तो संसार से बिड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी सबसे बड़े संत हैं। जो संत है ना, वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए शंकर जी कहाँ पर चले गए? कैलाश में, बर्फ के ऊपर में। भैया मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करो। आप शंकर जी की मूर्ति कभी भी देखो, ध्यान प्रभु के ध्यान में डूबे हुए शंकर जी, वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके? बोले शंकर जी के पास में सबसे सबसे श्रेष्ठ वस्तु शंकर जी के पास में, इसलिए छुपा नहीं सके। बताओ तो कौन बोलेगा शंकर जी के पास में क्या सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जिसी वजह से शंकर अपने आप को छुपा नहीं पाए? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, सब चुप ले जाओगे। अरे बोलो, शंकर जी के पास में सबसे बड़ा प्रिय वस्तु क्या? बोले उनकी जटा में श्री पतिंद्र बाप ने श्री गंगा देवी। बोले श्री गंगा देवी की
इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। इतने में शंकर जी ठाकुर को दर्शन करने के लिए आए, अलग निरंजन करते करते, और वहाँ पर बड़ा कड़ी चौकीदार लगी हुई थी, एक गोपी थी। शंकर जी बोले, गोपी मैंने सुना है नंद के एक लाला भयो है। बोले भैया नंद के लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है। बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतन आ गई थी, वो तो देखने में कैसे लग रही थी, मानो वैकुंठ से लक्ष्मी उतर करके आ गई और हमारे लाला को ही उठा कर ले जा रही थी, किसी तरह से ठोकर खा कर के मर गई, नहीं तो हमारा लाला को ही राम नाम सत कर देता। और तू देखने में ऐसे लग रहे हो, तेरे को देख करके अपना जी घबरा रहा है, लाला को दर्शन नहीं होगा, जो सोना चाहते लेना भिक्षा ले, अपना रास्ता दे। मैया को जाकर के बोलती, बोले मैया कहीं से जो बाबा आए हुए, कहते हैं लाला को दर्शन करा दे, उसको देख करके मैं जी घबरा रहा है। इतने में मैया आई, बोले बाबा कहाँ बात है। बोले भैया थोड़ा लाला को दर्शन करा दे, बड़े दूर से आया हूँ, लाला को बड़े आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा तेरे को देख करके मेरे जी घबरा रहा है, इसलिए लाला को दर्शन नहीं होएगा, मेरे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है। बोले अगर लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा ना, मैं दरवाजा बैठ करके यही त्रिशूल गाड़ कर बैठा रहूंगा, जब तक नहीं दर्शन कराऊंगा जाने वाला नहीं। बोले तू बैठ रह जा, मेरे चार दरवाजा है और दूसरे तरफ से निकाल दूंगी। बोले मेरा अभी चार रूप है, अभी भी जाओगे ना नंदा गांव में चार शंकर वहां पर है। बोले मेरे 11 दरवाजा है। बोले मेरा भी 11 रूप रहे, किसी दरवाजे से तो निकालोगे जरूर मैं दर्शन करूंगा। बोले बैठ रह जा। लाला को लेकर घर की कोड़े में छुपा दी, शंकर वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गई, एक डम्बरू बजाना शुरू किया, और डम्बरू जितना कृष्ण को कान में पड़े, कृष्ण उतना जोर से रोए चिल्लाए, और जितने थपथप लगा करके कोशिश करते सुनाने के लिए, शंकर जी उतना जोर से डम्बरू बजाते हैं, आ कृष्ण उतना जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रहे। किसने बोले भैया वो बाबा कहता है लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो जाओगे नहीं। भैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा करके बड़े कष्ट से लाई। बोले बाबा तू बड़े अखड़ हो, ले लाला को दर्शन कर। जब एक झलक दर्शन कराए, अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, खिलखिला कर हंसने लगे, शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया समझ गई बाबा कुछ जानता है क्या, तू सुना अभी तक तो लाला रो रहा था, लाला का रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले बाबा कुछ जानता है, हाथ देखना जानता है, कुछ है जादू जानता है ना, देखना माताएं सब घेर जाती हैं। बोले बाबा बाबा बताओ तो हमारे हाथ देख लो तुम। बोले बाबा लगता है तेरे को कुछ जादू टोना आता है। बोले बताओ। बोले लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है। बोले अगर एक काम करोगे ना, लाला के ऊपर कभी नजर नहीं लगेगा, मुझे बता दो। बोले जब तुम लाला को स्नान कराओगे, उसका जो पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। अब लोगों को पता होगा जो कांवर लोग होते हैं ना, पानी गंगा पानी लेकर के शंकर जी के सर पर डालने के लिए जाते हैं, क्योंकि शंकर जी के प्रिय सबसे प्रिय क्या है, भगवान की चरणामृत गंगा है, इसलिए भगवान की चरणामृत गंगा है। बोले मेरे सर पर डाल दिया करना। बोले कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा। बोले लाला जो भोजन करेगा, जो बच जाएगी उसको मेरे को ला करके दे देना। देखो ये जो बात है ना, 5,500 साल की बात है, ये भगवान कृष्ण का समय की बात है। अगर अभी नंदगांव जाओगे ना, जब ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, वो सीधा चरणामृत श्री शंकर जी के सर पर डालते हैं। जब भगवान को भोग लगता है, सीधा पहले शंकर जी को पास में आएगा, उसको बाद में वो प्रसाद सबको मिलता है। ये चीज को अच्छे तरह समझो। कोई भी चीज कभी भी हनुमान जी को व शंकर जी को देवी जी को कभी डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ माताएं क्या करते, लड्डू लेती हैं और लड्डू लेकर के ना हनुमान के मुंह में ठोसते हैं। हनुमान जी खा लो, क्या हनुमान जी भूखे तेरे लड्डू के लिए बैठे।
एक मन किया, अगर लाख मन भी हनुमान जी को देखोगे ना, हनुमान जी एक जो भी लड्डू खाने वाले नहीं तुम्हारे। जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए रहते हैं? ठाकुर जी की चरण में। जब तक भगवान राम को कोई चीज भोग नहीं लगता है, जब तक भैया सीता ग्रहण नहीं करती हैं, एक बूंद भी तुम्हारे लड्डू खाने वाले नहीं। शंकर शंकर भी खाने वाले नहीं, हनुमान जी भी खाने वाले नहीं है। इसलिए माँ देवी वैष्णवी है, शंकर जी वैष्णव है। इसलिए आप जाकर के कभी जगन्नाथपुरी में अगर कभी जाओगे तो दर्शन करना वहां पर। माता देवी कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ जी की मंदिर में विमला देवी रूप में बैठी हुई, क्यों? जगन्नाथ जी के प्रसाद को पाने के लिए। शंकर जी को देखोगे, पृथ्वी के सबसे बड़े शिवलिंग है वो जगन्नाथपुरी में। उनका नाम ही लिंगराज है, इतना बड़ा शिवलिंग जिसमें गंगा जमुना हरिहर दो स्वरूप है। सबसे पहले श्री भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो प्रसाद श्री शंकर जी ग्रहण करते हैं। इसलिए कोई भी चीज जो पहले कृष्ण को नहीं तो राम को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को 33 करोड़ देवता में फिर किसको देव बड़े प्रसन्न होकर भी ग्रहण करते, ठीक है ना? कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, 33 करोड़ देवता देखना चार तरफ बैठोगी। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वहां पर एक व्यक्ति की जो करता है ना मजिरा, बहुत बड़ा मजिरा लेकर के, ऐसे लेकर के सारी तरफ में परिक्रमा करेगा। बोले क्यों? बोले 33 करोड़ देवता वहां बैठे हुए भगवान के प्रसाद पाने के लिए, सबको नौता देते हैं, जगन्नाथ जी को भोग लग गया है, आप सबके सब कृपा करके आओ और प्रसाद पाओ हैं। इसलिए भगवान के भोग लगाए बगैर कोई भी देवा देवी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए हैं। बोले कृष्ण कितने बड़े हुए हैं? बोले 3 महीना के हो गए। देखना बच्चा जब 3 महीना का होता है वो कर बदल लेता है। मैया तो बड़ी खुश हो गई, उनने पूरा ब्रजवासी माताओं को नौता दी, लाना लाला ने आज करवट लिया है, करवट लेने के आज घर में उत्सव होगी। और अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी, जितने दूध दही मक्खन को उन्होंने गाड़ी को ऊपर रख दी और कृष्ण को स्नान करा के उसको नीचे ले जाती। बोले क्यों? बोले अभी गोपियां आकर गाएगी नाचेगी, लाला का कच्चा नींद खराब हो जाएगी तो लाला रोएगा। अभी ये गोपियों को संभालो नहीं तो लाला को संभालो। इसलिए लाला सो रहा था, इतने में जितने ब्रज की गोपियां इकट्ठे हो गई, इकट्ठे होकर के सब के सब गोपियां बैठ करके बड़ी सुंदर भजन गा रही थी। प्रभु जी आपको एक सुंदर भजन सुनाए। Oh, yeah.
बोले हो
जब गोपियां कीर्तन कर रही थी, कृष्णा बैलगाड़ी को नीचे लेट हुए थे, कितने में कृष्ण का नींद खुल गई। अभी कृष्णा सोच रहे हैं, मैं गोलोक वृंदावन छोड़ करके यही आनंद लेने के लिए मैं आया हूँ, और उत्सव मेरे लिए, आज कीर्तन भी मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन भैया पता नहीं कीर्तन से काम अलग करके लेगा जी। अभी कृष्णा अपना कीर्तन का आनंद लेना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्णा का उम्र अभी 3 महीना के, अभी ये घुटन पर भी चलना नागुर को नहीं आते हैं। अभी बच्चों का जो बल है, भले रोना ही इनका बल है, कृष्णा सोचा अगर मैं थोड़ा रोऊं, हो सकता है भैया मेरे को उठा करके ले आई। इतने में कृष्णा रोना शुरू कर दिए, लेकिन मैया तो कीर्तन हो रही थी, इधर किसको लेना किसको देना, इसमें मैया भी की। अभी मैया को कान में रोने का आवाज ही नहीं पड़ी। कृष्णा सोचा मैंने तो इतना रो लिया और कितना रो, रोते 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 गला दर्द हो गया। इतने में कृष्णा की इच्छा शक्ति योग माया ने कंस को प्रेरणा की, और कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था शकटासुर। ये पूर्व जन्म में ये था हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच। एक दिन लोमहर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके सारे बगीचा की उनको उजाड़ दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं अभिशाप देता हूँ, तेरे की जो शरीर नहीं रहेगी। अभिशाप देते ही धीरे धीरे उसका शरीर अंतर ध्यान होने लग गया, और उसका सारे नशा उतर करके आ गया, उसकी सारे नशा उतर गया। ऋषि के चरण में माफी मांगे, बोले पर मुक्ति कैसे मिलेगी? पुत्र मुक्ति मिलेगी जब कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेंगे, उनके चरण के ठोकर खा करके तेरे उद्धार होगा। इतने में वही सकटा शुरू आ गया, उसको शरीर थी नहीं इसकी, वो आ करके बैलगाड़ी के ऊपर में सवार हो गया। कृष्ण ने देखा मामा जी आ गए हैं, वो सोच रहा था बैलगाड़ी को धीरे धीरे नीचे करते करते ऐसे ठोकर मारूंगा बस पूरा के पूरा उलट जाएगी, और उसने सोचा मैं धीरे धीरे दबाते दबाते कृष्ण को ही दबा दूंगा। लेकिन कृष्ण चरण की ठोकर से उन्होंने गाड़ी को ऐसे मारे, गाड़ी एकदम पलट गई, गाड़ी को ऊपर में जितने दूध दही थी सब के सब फैल गया। गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी, बोली यहाँ तो आधी तूफान है नहीं, पलटी तो पलटी कैसे। सब के सब गोपियां भागते भागते आई, और देखा एक बहुत बड़ा दैत्य मरा पड़ा हुआ, और जितने दूध दही सब के सब बिखर गया। लेकिन बच्चों ने देखा था तो कृष्ण के चरण के ठोकर से ही गाड़ी पलटी। बच्चों ने तोतली तोतली बोली से बोलने के लिए कोशिश की, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले अभी मेरे लाला तो 3 महीना की, आज इसका चरण से ये बैल गाड़ी कैसे पलट सकती है। फिर मैया ने कृष्ण को उठा करके ले गई, फिर उनको कीर्तन का बीच में रख करके गोपियां कीर्तन करने लग गई। कृष्ण प्रसन्न हो गए, बोले मैया अगर मेरे को पहले से ही ले आती फिर मैं इतना नटखट करता ही नहीं। हाँ, इधर सुना, ध्यान देकर दे, ये लीला के द्वारा ठाकुर जी शिक्षा क्या दिए है। बोले ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, जैसे घर में उत्सव हो रही थी, ध्यान देकर सुनो, घर में उत्सव हो रही थी, लेकिन कृष्ण को उत्सव से अलग कर दिया। कहाँ लेटा थी? बोले बैलगाड़ी को नीचे, और घर की सामान कहाँ रख दिया? बोले बैलगाड़ी के ऊपर में। अगर घर में कोई उत्सव हो, अगर भगवान को कर दो गौना छोटा, और घर की जितनी वस्तु है उसको कर दो मुख्य, और भगवान को कर दो गौना छोटा कर दो। भगवान कहते हैं देखो फिर मैं ऐसे ठोकर मारूंगा ना, फिर मैं सब सत्यानाश हो जाएगी। इसका मतलब है जब हमारी घर में जैसे बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, शादी की सालगिरह मना रहे हो, लेकिन पहले क्या करो, हम तो अपने बेटे की बर्थडे में पता नहीं जितने उसका ड्रेस क्यों नहीं हो,
कभी कितने ड्रेस, पता नहीं कितने कितने लोग कितने कितने नई नई ड्रेस देते हैं, देते कि नहीं। लेकिन पहले देखो, ठाकुर के लिए कोई ड्रेस है कि नहीं, भगवान के लिए कोई ड्रेस है कि नहीं, सबसे पहले ये चीज देखो, ठीक है ना। जैसे शादी की सालक रहे, आप देखना नई साड़ी खरीदी करते हैं, लेकिन कभी क्या हमने सोचा ठाकुर जी के लिए कोई नई वस्त्र है कि नहीं। इसलिए शास्त्र में बताए, भगवान को जो वस्त्र प्रदान करते हैं, जैसे ठाकुर जी के लिए कोई अपने नया ड्रेस आपने सिलाई करवाई, कहते उसमें जितने धागा हो, कहते उतना कल्पत ठाकुर जी उसको वैकुंठ वास देते हैं। वो कपड़े में जितने धागा जिसमें होगा, वो कपड़े में इतने महत्व है। आप लोगों को पता होगा, जब भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ करके भगवान के अंगुल में बैंडेज कर दी, ठाकुर जी रीझ गए, पहले कब मेरे रीढ़ी उतारने का समय आएगा, कब इसका मैं रीढ़ी उतारू। जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, आप बताओ तो कितने द्रौपदी का कितने पति थे, कितने पति थे, लेकिन कोई काम में आए। गदाधारी भीम सर्वश्रेष्ठ, गांडीवधारी अर्जुन, तलवार में नकुल सहदेव, भाला युद्ध में युधिष्ठिर, उनके पांच पांच पति कोई काम में आए, बताओ आए तो कौन काम में आए। अरे बोलो कौन काम में आए, केवल ठाकुर जी काम में आए। जब द्रौपदी के पांच पांच पति कोई काम नहीं आए, हमारी एक पति क्या काम में आएगा, एक पति क्या काम में आएगा। भैया काम में आएगा तो बांके बिहारी, वो काम में केवल बांके बिहारी आएगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जैसे घर में कोई भी उत्सव कुछ भी हो, पहले ठाकुर को ध्यान दो, ठाकुर के लिए कोई प्रसाद है कि नहीं, ठाकुर जी के भोग लगने के लिए कुछ है कि नहीं, ठाकुर जी को पहनने के लिए कोई कपड़ा है कि नहीं, सबसे पहले उनको नजर दो, ठीक है ना। एक उदाहरण देकर समझाते हैं, ध्यान देकर सुना। जैसे अपना शरीर को सुंदर करके सजाओ, आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे, वो परछाई अपनी आप सज जाएगी। ये परछाई को सजाने का कोई जरूरत नहीं है, इसका मूल जब ठाकुर जी को जो जितने सुंदर श्रृंगार करोगे ना, ठाकुर जी को रोज स्नान कराओ, चरणा में चलो, ठाकुर को तिलक लगाओ, ठाकुर को कपड़ा पहनाओ, करते कि नहीं रोज रोज, घर में स्नान करते कि नहीं, हम सबके सब करते हैं ना। इसलिए जो जितने सुंदर, आप ध्यान देकर के देखो, जो जितने सुंदर ठाकुर का सेवा पूजा करेगो ना, आप देखना संसार में तुम उतना ही भक्त बनते रहोगे, संसार में इतने ही तुम्हारी हरा भरा होगी। क्योंकि जहाँ पर कृपा हरी की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, मेरे जैसे जगत में सबसे बड़ी संपत्ति कौन है, बोले भगवान है। भगवान ने कहा मेरे को छोड़ करके पता नहीं और तुमने कहाँ लग गए हो। इसलिए ठाकुर जी चरण की ठोकर मार रहे हैं, अभी धीरे धीरे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। आप देखना बच्चों को, कभी कभी माताएं जब कृष्ण की एक साल की हो गई, आप देखना बच्चों को माता उन्हें हाथ में से उछालते हैं, देखे ना, हाथ में से उछालती है। कृष्ण ने सोचा पता नहीं मैया थोड़ी दूर उछाल रही है, मैं तो चाहता हूँ कोई एक एरोप्लेन में आ जाए, बैठ करके पूरा वृंदावन को दर्शन कर लो, क्यों उस दिन बाद में मैं मक्खन घर घर में मक्खन चोर करूंगा, देख तो लो भैया गली किधर है, किधर जाना नहीं जाना। अभी कृष्ण की इच्छा जान करके एक राक्षस त्रिणा बरता आ गया, आंधी तूफान करके आ गई, ऐसे आंधी तूफान आई, इतने में कृष्ण ने देखा मामा तो आ गए, हमें भी उड़ा करके ले जाएंगे, अभी मैं थोड़ा घूम वृंदावन घूम लूंगा, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैया को अगर उड़ा करके ले जाएगा तो मेरी मैया कैसे बचेगी। कृष्ण इतने बोझिल हो गए जैसे पत्थर की चट्टान, उन्होंने कृष्ण को उतार करके रख दिया, और इतने में त्रिणावर्त आया, कृष्ण को पकड़ा और एकदम आकाश में उड़ाते हुए ले गए। और कृष्ण की इच्छा थी पूरा वृंदावन दर्शन करूं, कृष्ण पूरा वृंदावन को घूम लिए। अभी कृष्ण सोच रहे उतरू, जैसे एरोप्लेन उड़ता है लैंडिंग करता है, उतरता कि नहीं,
अभी उतरे कैसे? इतने नहीं, कृष्ण ने देखना बच्चों का एक स्वभाव, बच्ची इधर उधर जाता नहीं है ना, उधर ही रहो, इधर जाता खाना नहीं करना, इसलिए वहां पर देखे बच्चों का एक स्वभाव। क्या स्वभाव है? अगर बच्चों को ज्यादा ऊपर में ऊंचा करना, बच्चे डर जाते हैं। इतने में कृष्ण उतना तृणा वर्तक तो उन्होंने गला को दबा दिया, एक गला दबाते ही वहीं पर तृणा वर्तक पत्थर को ऊपर में गिरा, गिर कर एकदम चकनाचूर हो गया। फिर मैया ने देखा कृष्ण दूर में पड़े हुए, फिर कन्या को उठा करके ले आई, बोले बिना कारण के कारण क्यों पता नहीं, ये दैत्य लोग मेरे लाला की पीछे क्यों पड़ गए। फिर काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, फिर आई नोन को मंत्र करके लाला के ऊपर छिड़का करवाए, लाला के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ जाए। देखो ये लीला के द्वारा ठाकुर जी शिक्षा देते हैं। देखो अच्छे तरह समझो, कभी कभी हमारे जीवन में भी जो भजन करते हैं कभी कभी ये तृणा व्रत आ जाता है। जैसे थोड़ी समय के लिए तृणा व्रत पूरा ब्रज को अंधकार कर दिया, लेकिन बाद में फिर साफ हो गई। देखना कभी कभी भक्ति तो करते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाती है। जब विपत्ति आ जाती है ना, भक्त लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। हम इतने ठाकुर को भजन किया, भक्ति किया, ठाकुर जी हमारे साथ में से क्यों करते हैं, ये दुख कष्ट क्यों आता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, दुखी होकर के ना भजन भजन छोड़ देते हैं, माला को कभी कभी छोड़ देते हैं, भोजन नहीं छोड़ेंगे, रो खाना घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं घूम छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे, ये माला ही छोड़ देते हैं। कहते इतने हम भगवान की भक्ति की, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, यहाँ पर शिक्षा देते नहीं। अगर जीवन में कोई विपत्ति आए ना, उसको प्रतिकूल रूप में ग्रहण मत करो, उसको अनुकूल रूप में ग्रहण करो। बोले कैसे? अगर जीवन में कोई कष्ट आए तो ये समझना जीवन में कोई बहुत बड़ी एक विपत्ति आने का था। चूंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमें थोड़ी मोड़ी कोई कष्ट दे करके हमको ठाकुर जी छोड़ दिया, ये चीज को समझो। देखो आपको पहले मैंने कथा सुनाई थी, आपको छोटी सी एक कथा सुनाता हूँ। बोले एक समय दो भाई थे, कितने भाई थे, एक नास्तिक और एक आस्तिक, समझते हो, एक तो भगवान को मानता नहीं और एक दिन भर भगवान की भक्ति करता है। जो नास्तिक था, जो आस्तिक को खिली उड़ाया करता था, बोले क्या दिन भर तो ताला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो, जब देखो ठाकुर को सामने बैठा हुआ हो, गीता रामायण सब बेकार से, भक्ति भक्ति छोड़, ये भक्ति भक्ति करने से कुछ नहीं होता है। एक दिन दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे थे, जो भाई भगवान की भक्ति नहीं करता था उसके लिए सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देखा तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हो, तेरे को क्या मिला, कुछ नहीं, मेरे को सोने की मोहर मिल गया। उसने देखा बात सही है। और जब थोड़ी दूर गए, जो भजन करता था उसको प्यार में एक लोहे की सीसी बिगड़ गई, उसको प्यार में तो खून बहना शुरू हो गया। उसने देखा देख लिया तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, तुमने देख लिया कि नहीं प्रत्यक्ष में, ये सब बेकार सब कृष्ण कृष्ण राम राम करना। वो तो दुखी हो गया, बड़े दुखी होकर के ठाकुर को पुकारा, ठाकुर जी दिन रात मैं तेरी याद करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तू सबके सामने मेरे इसे व्यतीत करते हो। जब इतने बोले ना आकाशवाणी में, बोले बेटा ध्यान से कृष्ण, तुम सोचते हो जो भक्ति करते हैं उनको दुख आता है और जो भक्ति नहीं करते उनको आनंद आता है, देख बेटा ऐसे नहीं, सुन ले, ये पूर्व जन्म में इतने दान पुण्य किया था, आज का दिन इसको राज दरबार में राज तिलक लगने का था, राजा बनने वाला था, लेकिन मुझे और मेरे भक्तों को ये बुराई करता है, इसका सारे पुण्य को हम खत्म करते सारे खत्म कर दिया और एक सोने की मोहर देकर के उसको मैंने छोड़ दिया। तू अपना बात को सुन, पहले जन्म में तुमने एक मर रखी, आज का दिन राज दरबार में तेरी फांसी झूलने का था, लेकिन तू मेरा नाम लेते हो, भजन करते हो, इसलिए मेरे तेरे सारे पाप को खत्म करते करते थोड़ी सी बाकी रह गई थी, इसलिए प्यार में एक सीख गड़वा करके मैंने तेरे को छोड़ दिया। इसलिए ये मत समझो जब भक्ति करने वालों को कष्ट आता है, नहीं करने वालों को
सुख मिलता है, ऐसे नहीं। दूसरे उदाहरण सुना, जैसे गेहूं को जो खेती होती है, देखना वो गेहूं को एक ड्रम में रख लेते हैं ना, गेहूं को उसको नीचे एक छेद होता है, जितना गेहूं जरूरत वहां से निकाल करके उसको आटा बना कर खाते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना। जैसे इसी साल गेहूं की खेती हुई, लेकिन बढ़िया बारिश में पानी नहीं मिला, इसलिए गेहूं का दाना छोटा छोटा हो गया, उसको मैंने ऊपर से डाल दिया। दूसरे साल जब गेहूं की खेती हुई, बढ़िया पानी मिला, सार मिला, और गेहूं का दाना बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर में डाल दो। नीचे से जब गेहूं निकालोगे, आप बताओ पहले कौन सा गेहूं निकलेगा? कौन बोलेगा, बोलो जोर से, छोटा निकलेगा बड़ा निकलेगा? क्यों, आप तो ऊपर से बड़ा डालेंगे, ऊपर से बड़ा डालेंगे ना। इसी चीज को समझ लो, क्योंकि पहले साल जो खेती हुई थी वो गेहूं छोटा छोटा था, उसको भी डाल ले हो। इसी साल में आपने डाले बड़े बड़े, इसका मतलब है कभी कभी हम देखने के लिए तो भजन कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म करके आया इसको तो हमें पता नहीं है ना। इसी जीवन में दिखाई पड़ रहा है भजन कर रहे हो। हाँ, बड़ा गेहूं आएगा जब छोटा गेहूं खत्म हो जाए, बड़ा गेहूं आएगा क्योंकि हमने डाले हो, लेकिन जब छोटा गेहूं पहले खत्म होगा तभी तो बड़ा गेहूं आएगा ना। उसी तरह हम जो अभी भजन कर रहे हैं इसका फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? पहले जब छोटा गेहूं हमारी खत्म हो जाएगी, पहले का कर्म जब नष्ट हो जाएगा। हाँ, और एक उपाय है, सबसे सरल उपाय है, अगर हमने कभी पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करो, ये चीज को समझो। आप लोग ने वाल्मीकि का नाम सुने हो? कौन कौन वाल्मीकि का नाम जानते हो? सब जानते हो। ये पहले कौन था? दशरथ नाकर था। जब नारद जिससे मिले बोले, बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं दिया, इतना बड़ा पापी था। तब नारद बोले, तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ, इतना तो बोल सकता हूँ, लेकिन देखो ठाकुर की नाम की कितने महिमा है, नाम में इतने महिमा है, कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, बोले नाम लेत भव सिंधु सुधाई, विचार करह सो मन मन माही। अगर दसु रत्ना कर अगर मरा मरा करते करते राम आने से पहले अगर वाल्मीकि बन करके रामायण लिख सकते हैं, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो हमें क्या बल मिलेगा, बताओ? सीधा नाम से हमें क्या नहीं मिल सकती है, इतने प्रभु की नाम में इतने महिमा। आप लोगों ने अजामिल का नाम सुने, उसने बेटा का नाम रख दिया, नारायण नाम रखा था, और मरते समय कैसे अपना बेटे को नारायण बोला, क्या हुआ? सारे पाप खत्म। विष्णु तो आगे की रक्षा करते हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है, इधर उधर मत जाया करो, माला लेकर के जितनी हो सके, हमारे जो संत कहते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म है ना, बड़े से बड़े ज्ञानी भी ये प्रारब्ध, मतलब पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया, बड़े से बड़े ज्ञानी भी ये प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ये भगवान के नाम में इतने शक्ति है, कभी ये सारे प्रारब्ध पूर्व जन्म का पाप को अगर जल्दी से जल्दी कोई नष्ट कर सकता है, कौन नष्ट कर सकता है? बोले भगवान का नाम ही नष्ट कर सकता, और कोई नष्ट नहीं कर सकते हैं, इतने महिमा भगवान की नाम की। इसलिए क्या करो, जितने हो सके ठाकुर जी के नाम को जप करो, क्या करो? ठाकुर जी की नाम को जप करो। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते, बोले अर्जुन, बोले जनई पूर्व सत जन्म वासुदेव समर जनम, तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठ भारत। बोले हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मेरे नाम जप करता है, क्या समझो, पूर्व जन्म में उसने 100 जन्म तक उसने पहले मेरी पूजा सेवा करके आया है, तभी इसी जीवन में मेरे नाम को वो जप कर रहा है, इतने महिमा ठाकुर जी का नाम।
की महिमा। अगर पूर्व जन्म भले ही ये कर्म नहीं किया, अगर प्रभु का नाम जप करना शुरू कर दो, अपनी आप सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हरि का नाम जप करो, जितने हो सके ठाकुर का नाम जो जप करो। हनुमान जी को देखो, दिन भर क्या करते हैं बोलो, इनसे कोई आदर्श हो सकता है क्या? दिन भर हनुमान जी को देखो, माला लेकर के देखना, हनुमान जी का भी छोटा स्वरूप देखना, देखना माला लेकर रामायण पढ़ रहे हैं, कभी माला लेकर के रघुपति राघव राजा रामपति पाद में सीता भगवान की नाम को जप करते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कभी जीवन में छोटी मोटी कोई दुख विपत्ति आ जाए तो प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ना, ठाकुर का नाम नहीं छोड़ना, कभी विश्वास पूर्वक भगवान की नाम को जप करते रहो। बोले श्री वृंदावन निरारी कहा गया है श्यामन, बोले एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। कोई लीला बोलते तो बोलो। अभी हमारे प्रभु जी आपको कुछ कथा सुनाएंगे। हाँ देखो, कल जो है, कल कथा का विश्रम का दिन है, भागवत तो कभी खत्म नहीं होता है, कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत है। कल कथा का विश्रम का दिन है, इसलिए कल जो कथा है ये सवेरे 9 बजे से हो रही, और जो कल का कथा सबसे महत्वपूर्ण कथा है, जो व्यक्ति आधा सुने, बीच में आए, लास्ट में आए हैं, कल की कथा जो सुन लेगा उसको 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगा। इसलिए कल 9 से लेकर जो 12 बजे तक कथा होगी, कथा के बाद में फिर यहाँ पर यज्ञ होगा। वो जो यज्ञ हैं वो नरसिंह भगवान के नाम पर यज्ञ है और नारायण कवच का यज्ञ है। इसलिए हो सके तो अपना घर से थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री, नहीं तो खोले, नहीं तो थोड़ी थोड़ी अच्छा घी लेकर के आना। ऐसे नहीं, जो घी अपना व्यवहार किया है ना वो घी को नहीं लेगा, जो शुद्ध घी हो, क्योंकि भगवान के नाम पर यज्ञ होगी, झूठा घी लाना नहीं, पवित्र घी को लेकर के आना और आहुति देना। और कल प्रसाद भी कथा के बाद में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था और सबके साथ प्रसाद बांट के जाइए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अज्ञान विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रसंग बोलने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। सभी एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो समझ कर, जोर करके सभी बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मरी गुरुपाद पद्म परमारतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दर्पण प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। भगवान कृष्ण अपने बाल्यकाल में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, कहीं उन्होंने अपने ऐश्वर्य प्रकाशित करते हुए अनेक अनेक असुरों को मारा, तो कहीं पर भगवान अपना माधुर्य प्रकाशित करते हुए बड़ी सुंदर सुंदर माखन चोरी इत्यादि लीलाएं करते थे। एक समय कृष्ण और बलराम घर में ये दोनों ही छोटे बच्चे थे।
और मैया ने दोनों बच्चों को बड़ा सुंदर श्रृंगार करके और छोड़ दिया और घर के काम में लग गई। अभी कृष्ण और बलराम ये दोनों मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जब जब भी ब्रज में हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, जब जब भी कुछ ना कुछ परेशानी होती है, माँ हमें गौमूत्र और गोबर से स्नान करवा देती है। हम कहाँ भगवान साक्षात कृष्ण और बलराम कौन है? दोनों भगवान हैं, लेकिन तब पर भी एक साधारण गैया के मूत्र और गोबर से स्नान करवाकर मैया उन्हें पवित्र कर रही है। आज मानो कृष्ण बलराम दोनों जानना चाहते हैं कि इस गौमूत्र और गैया के गोबर में क्या शक्ति है। इसीलिए कृष्ण बलराम ने क्या किया, चले गए जहां पर गैया बंधी हुई थी। मैया ने अभी सुंदर श्रृंगार किया है, लेकिन उस श्रृंगार की परवाह ना करते हुए कृष्ण और बलराम ने अपने पूरे शरीर को गोबर से लेप दिया। पूरा शरीर गोबर में लेप कर और सिर्फ आंखें दिख रही है, बाबा जी बन गए और गौशाला में ही बैठ गए। मैया अभी वहां पर खोजती खोजती आई है, देखते हैं दोनों लाला गए कहां, कुछ भी आवाज भी सुनने को नहीं मिल रही है। मैया कृष्ण और बलराम दोनों को कनुआ और बलवा कहकर बुलाती थी। यशोमती मैया खोजती खोजती गौशाला की तरफ आई है। कनुआ तुम कहां हो? बलवा अरे कहां चले गए? खोजते खोजते जैसे ही आई तो देखा गौशाला में पूरा शरीर गोबर से सना हुआ है और देखकर दोनों बाबा जी की तरफ बैठे हुए। मैया देखकर इतनी क्रोधित हो गई कि कहां अभी तो मैंने श्रृंगार किया था और अभी के अभी दोनों ने अपना ये हाल बना लिया। मैया जैसे ही कृष्ण बलराम के पास में आई और उन पर शासन करने लगी, क्यों रे अभी मैंने तुम्हें स्नान करवा के और श्रृंगार किया था और क्या अपने पूरे शरीर को तुमने गोबर से लेप लिया? क्या तो पूर्व जन्म में सुवर था क्या? दाऊ जी भी अपनी मैया, दाऊ जी और कृष्ण दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कृष्ण मानो मैया से कह रहे हैं कि मैया तूने ठीक समझा है, अरे मैंने ही तो शुक्र रूप धारण करके और पृथ्वी को उद्धार किया था। तुम पाविसक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा, त्वं शूकरोऽसि गत जन्मनि पूत नारे इत्युक्त संस्मित मुखो अवतुनो मुरारे। कवि कर्णपुर कहते हैं त्वं शूकरो असि गत जन्मनि पूत नारे, अरे पूतना के दुश्मन, अरे पूतना के संघारक, क्या तू पूर्व जन्म में शूकर था? दाऊ भैया और कृष्ण दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंस रहे हैं, बोले मैया हमको ठीक पहचानी है। एक दिन कृष्ण ने क्या किया, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं सखाओं के साथ में पूरे ब्रजमंडल में अब माखन चोरी आरंभ करूंगा। लेकिन माखन चोरी आरंभ करने से पहले सोचा कि क्यों ना हम अपने घर में ही एक बार प्रैक्टिस कर लें। मैया यशोमती बड़ा सुंदर सुंदर नोनी माखन बनाकर और छीके के ऊपर सजा सजा कर रखती थी। एक दिन कृष्ण ने सोचा कि मैं अपने घर में माखन चोरी करूंगा। कृष्ण ने क्या किया, उसी समय पर मैया जब घर के काम में व्यस्त थी तो जिस घर में माखन रखा हुआ था उस कमरे में प्रवेश किया। माखन रखा हुआ है ऊपर छीके पर, तो कृष्ण ने एक ओखल के ऊपर चढ़ के और माखन निकाल कर और खाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही माखन खाएंगे तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक मणि स्तंभ पे। नंद बाबा का घर कोई साधारण नहीं है। नंद बाबा के घर में आज भी अगर आप गोकुल में जाकर देखेंगे वहां पर 84 खंभे का महल है, नंद बाबा का महल है। और वो पूरे महल के जो स्तंभ है, आज के समय पे जैसे सीमेंट के पिलर होते हैं ना, ऐसे नहीं, पूरे मणियों से झड़े हुए। अभी जैसे ही मणियों से झड़े उस स्तंभ के ऊपर कृष्ण की नजर पड़ी, कृष्ण की परछाई उस स्तंभ में आ रही थी। कृष्ण मनी मन सोचने लगे कि जिस तरह से मैं माखन चोरी करके खा रहा हूँ, लगता है घर में और भी कोई चोर घुस आया है। अभी बड़े छोटे बालक हैं, जानते नहीं कि परछाई भी कुछ होती है, इसीलिए सोचने लगे कि घर में कोई चोर घुस आया। लेकिन इसने जब मुझे देख लिया चोरी करते हुए, माँ से शिकायत कर देगा। कृष्ण अभी उस चोर के साथ में बातें करने लगे हैं, अपनी परछाई के साथ में बातें करते हुए कहते हैं कि देख मैं भी माखन खाता हूँ, तू भी माखन खा, लेकिन मैया से मत कहियो। अभी परछाई भी वैसे ही बोलने लगी, मैं भी माखन खाता हूँ, तू भी माखन खा, मैया से मत कहियो। परछाई जैसे जैसे, कृष्ण जैसे जैसे कर रहे हैं, परछाई भी वैसे वैसे कर रही है। कृष्ण कहने लगे कि तू मेरे घर में आकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। परछाई कहती है कि तू मेरे घर में आकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। इस तरह से कृष्ण तो आज अपनी परछाई के साथ में लड़ने लग गए
और लड़ाई करते करते जब शोर बढ़ने लगा, मैया सोच रही कि ये अकेला न जाने किससे लड़ाई कर रहा है, घर में तो और कोई भी नहीं। जैसे ही यशोमती मैया ने आकर देखा तो कृष्ण वहां पर उसके साथ में बात कर रहे थे। कृष्ण ने देखा मैया आ गई, तुरंत वो झपड़ के और पिलर को झपड़ लिया। मैया घर में चोर घुसाया है, चोर घुसाया है, चोर घुसाया है। बोले चोर घुसाया है? बोले हाँ मैया। कहाँ? बोले इस स्तंभ में। मैया देखकर बड़ी हंसते हुए कृष्ण से कहने लगी कि इतना छोटा बालक, अरे परछाई से बातें कर रहा है और कहता है चोर घुसाया है। मैया पूछने लगी कि अच्छा चोर घुसाया है वो तो ठीक है, मुझे एक बात बता कि तेरे हाथों पर ये माखन क्या कर रहा है? क्या तू अपने घर में ही माखन की चोरी कर रहा था? बोले नहीं मैया, तूने जो मेरे हाथों में ये सोने और हीरे से जड़े हुए कड़ूले पहना रखे हैं ना, इससे मेरे हाथ बड़े गर्म हो गए थे, इसलिए मैंने अपने हाथों को ठंडा करने के लिए माखन में डुबा दिया था। ओ, हाथों को ठंडा करने के लिए माखन में डुबा दिया? बोले हाँ मैया। अच्छा एक बात बता, हाथों पर तो माखन ऐसे लग गया, तेरे मुंह पर माखन कैसे लगा? बोले हाँ ये भी बात ठीक है। बोले मैया एक चींटी मेरे मुंह के ऊपर चल रही थी, उस चींटी को हटाने के लिए जैसे ही मैंने हाथ फेरा तो हाथ से माखन मुंह पर लग गया। बोले लाला मैं इस घर में जो भी सारी मिठाई बनाती हूँ, माखन बनाती हूँ, सब तो तेरे लिए ही है। अरे तू ही तो हमारा एकमात्र लाला है, तुझे घर में भला चोरी करने की क्या जरूरत? कृष्ण यहाँ पर इतने लज्जित हो गए कि कहा मैं आज पहली बार माखन चोरी करने लगा था और आज पहली बार में ही पकड़ा गया। बोलो श्री मक्खन चोर भगवान की जय हो। कृष्ण मनीमन सोच रहे कि भैया पहली बार पकड़ा गया तो लगता है हर बार ही पकड़ा जाऊंगा। फिर भी कृष्ण ने क्या किया, समस्त सखाओं को एकत्रित करके और अपनी माखन चोरी की टोली बना ली। टोली बनाकर आज पूरे ब्रज में घूम घूम कर कृष्ण क्या करेंगे, माखन चोरी। एक गोपी के घर में जब कृष्ण माखन चोरी करने के लिए गए थे, प्रत्येक दिन चोरी करने जाते गोपी कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा करती लेकिन पकड़ नहीं पाती। आज वो गोपी तय करके बैठी है कि आज तो मैं कृष्ण को पकड़ ही लूंगी। उसने क्या किया, माखन छीके पर लटका के और दरवाजे के पीछे छिप कर बैठ गई। अभी कृष्ण बड़े दबे पैरों से आए, दबे पैरों से आकर जिसे बिल्ली, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली जैसे एक सूखे पत्तों पर चलती है तब पर भी बिल्कुल आवाज नहीं होने देगी, ठीक उसी प्रकार कृष्ण आज दबे पैरों से धीरे 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 आए और देखा माखन है, छीके के ऊपर से माखन उतारकर और खाने लगे। और वो गोपी भी पीछे से खड़ी खड़ी देख रही है। अरे ब्रज गोपियां माखन बनाती ही कृष्ण के लिए है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। कोरी कोरी मटकी में भोरी भारी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में भोरी भोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में भोरी भोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में भोरी भोरी गैयन को। मेरे लिए गरी गरी राखो नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ कान माखन को खाओ, अंगना में आओ गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में
किशोर भगवान की जय हो। ब्रज गोपियां हर एक दिन अपने घर में माखन बनाती है और कृष्ण को इसी प्रकार आमंत्रित करती है। आज जब कृष्ण उस ब्रज गोपी के घर में माखन खा रहे थे, ये भी किवाड़ के पीछे खड़ी खड़ी बड़ी आनंदित हो रही है और कृष्ण की ओर निहार रही है। लेकिन जैसे ही कृष्ण माखन खा के और भागने लगे, तभी जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो ब्रज गोपी के हाथ पकड़ते कृष्ण अचंभित हो गए। बोले, ये कहां से आ गए? मैं तो सोच रहा था घर में कोई नहीं है। बोले, हाँ घर में कोई नहीं है। अरे गोपी, आज मुझे तनिक छोड़ दे, मैं तो सोच रहा था मैं अपने घर में माखन खा रहा हूँ। बोले, हाँ कन्हैया, ये भी तो तेरा ही घर है, चल अभी लेकर चलूंगी यशोमती के पास में। हम जितनी भी शिकायत क्यों ना करें, तेरी माँ तो तुझे बड़ा हरिश्चंद्र का अनुराग समझती है, वो हमारी बातों को मानने को ही राजी नहीं। आज जब प्रत्यक्ष रूप में पकड़ कर लेकर जाऊंगी तब वो मानेगी। अभी इस गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ के और शिकायत करते हुए, शिकायत करने के लिए लेकर जा रही है नंद भवन। जैसे ही नंद भवन में पहुंचेगी, उसी समय में देखा घर के बाहर नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा लिखते हैं जेठ। सोचा कि औरतों की बातें हैं, नंद बाबा को क्यों कुछ कहना, पीछे वाले दरवाजे से चले जाऊंगी। जेठ के लिए तो घूंघटा ले लिया और कृष्ण के सर पे भी एक कपड़े से ढक दिया। अभी पीछे वाले घर से जैसे ही अंदर घुसी है, बोले, यशोदे जरा बाहर तो आ। यशोमती मैया सोचने लगी, सुबह सुबह न जाने कौन आ गया। कृष्ण अभी उसी समय पर अलग रूप लेकर और यशोमती मैया की गोद में सो रहे थे। यशोदा कृष्ण को सुलाकर और जैसे ही बाहर आई, देखा कि वही गोपी। बोले, क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हो? बोले, हम तुझे जो भी कहती है तो बात नहीं मानती ना। आज देख, तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेकर आई हूँ। बोले, लाला को पकड़ कर लेकर आई है? मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। फिर इसने सोचा कि किसे पकड़ के लाई है, इसके मुंह से जरा कपड़ा तो हटा। जैसे ही उस बच्चे के सिर से कपड़ा हटाया, देखा तो कृष्ण ने उसके खुद के बेटे का ही रूप धारण कर लिया। खोलते ही कपड़ा देखा कि भैया, ये तो मेरे खुद का बेटा। और यशोमती माँ बोलने लगी कि देख देख जरा ध्यान से, अरे मेरे बच्चे को लाई है ना, तू अपने ही बच्चे को ले आई है। जैसे उसने इधर घूम कर देखा, बोले, तू कहां से आ गया? बोले, मैया आपको शुरू से मुझे ही लेकर चल रही हो। बोले, हाँ हे भगवान, दरवाजे तक तो कृष्ण था और अंदर आते ही ये मेरा बेटा कैसे हो गया? वो गोपी तो अत्यंत लज्जित हो गई। उधर से कृष्ण आंख मसलते मसलते आ रहे हैं। बोले, देखो मैया, ये गोपियां कैसे मेरे नाम पे झूठी झूठी बदनामी करती है। ये मैं तो इनके घर में माखन चुराता भी नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे नाम को बदनाम करने की चेष्टा कर रही हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया ना, मैं सच में जाके इनके घर में माखन चोरी करूंगा। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। अभी ये गोपी अत्यंत लज्जित होकर और वहां से वापस अपने घर की ओर जा रही है। जब अपने घर की ओर जा रही थी, कृष्ण पीछे से घूम कर आ गए और जैसे ही सामने आए, बोले, क्यों गोपी, मैंने कहा था ना मुझे छोड़ दे, आज केवल मात्र तुझे छोड़ने को कहा था, तूने मेरी बात नहीं मानी। देख ले, आज तो तेरे बेटे को चोर बनाया है, अगली बार यदि मेरे रास्ते में आई ना, तेरे कसम कोई चोर बना दूंगा। बोलो श्री माखन चोर भगवान की। हमारे टीकाकार और यहाँ संत लोग कहते हैं, देखो कि कृष्ण घर घर जाकर माखन चोरी करते थे। ये कृष्ण माखन चोरी करते हैं क्यों? कहते हैं माखन में ना तीन गुण है, ध्यान देकर सुनिए। माखन के अंदर तीन गुण बताए। बोले, क्या क्या? बोले, माखन देखने में सफेद होता है, माखन देखने में सफेद होता है और माखन बड़ा कोमल होता है, और माखन जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। बोले, इसका क्या अर्थ हुआ? बोले, हमें भी यदि किसी का हृदय माखन की तरह हो, यदि किसी के अंदर ये तीन गुण हो, यदि देखने में भले ही शरीर से काला हो, लेकिन हृदय स्वच्छ साफ होना चाहिए, हृदय में किसी प्रकार की कपटता नहीं होनी चाहिए। हृदय यदि माखन की तरह सफेद होगा तो कृष्ण आकर उसे चोरी करेंगे। दूसरी क्वालिटी क्या थी? दूसरा, कहते हैं माखन बड़ा नर्म होता है। बोले, हमारा हृदय भी माखन की तरह नर्म होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। अगर हमारा हृदय पत्थर के समान, वज्र के समान कठोर होगा, कृष्ण भैया उसका आस्वादन करने के लिए नहीं आएंगे। तीसरी क्वालिटी, बोले, माखन जैसा अंदर से वैसा ही बाहर से। बोले, इसका क्या अर्थ हुआ? बोले, अंतरे बाहिरे सम व्यवहार,
आमानी मानद हव। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कुछ लोग तो बाहर से तो बड़ा भक्ति का आडंबर करते हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, हाथ में माला लेकर घूम रहे हैं, बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बड़े भक्त हैं, लेकिन अंदर सब समय विषय चिंतन। बाहर से ऐसा दिखाते कि हे गुरु जी आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आपकी सेवा के लिए हम सब समय पीछे 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 चल रहे हैं, लेकिन हृदय में खुद के भोग की कामना है। भैया ये कपटता नहीं चलेगी, जिस जो तुम्हारे हृदय में हो सरलता का ही नाम वैष्णवता है, इसलिए सरल हृदय अगर किसी का हो तो उसी को ही कृष्ण चोरी करने के लिए आते हैं। दूसरा अर्थ कहते हैं कि इसका नाम ही है मक्खन। क्या है, जोर से बोलो, मक्खन। मख मतलब, मख का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये दोष। जिसके हृदय में ये सारे दोष नहीं है कृष्ण उन्हीं के हृदय को चोरी करते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा संत हृदय नवनीत समाना। केवल मात्र संत साधु वो उनका हृदय क्या होता है, नवनीत मक्खन के समान निर्मल होता है, कोमल होता है। अरे मक्खन तो गर्मी के स्पर्श में आने के बाद में पिघलने लगता है, लेकिन साधु वो तो पर दुखी दुखी, दूसरों को दुखी देखकर उनका हृदय भी अत्यंत दुखी हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमारे हृदय को भी अगर हम मक्खन की तरह कोमल बनाएंगे, काम क्रोध से रहित बनाएंगे, तब जाकर कृष्ण आकर उसका आस्वादन करेंगे, तब जाकर कृष्ण उसको चोरी करेंगे। और भैया सबसे बड़े संत है कौन, सबसे बड़े संत है ये ब्रज गोपियां। सबसे बड़े संत है ब्रज गोपियां। ब्रज गोपियां देखो, विचार करके देखोगे, अगर ब्रज गोपियां कोई घेरुआ वस्त्र पहनकर और त्यागी नहीं थी, ब्रज गोपियां घर में ही रहती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी उनकी प्रत्येक चेष्टा कृष्ण की प्रीति के लिए थी, कृष्ण की प्रीति के लिए थी। हम भी यहाँ पर प्राय करके देखो गृहस्थ आश्रम में है, हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए ब्रज गोपियों को, ब्रज गोपियों का अनुसरण करते करते हमारा जीवन भी उस प्रकार रहे। कैसे, बोले प्रत्येक चेष्टा कृष्ण के लिए। गोपियां जब हाथ से नदी मंथन करती थी, यहाँ देखने में तो लग रहा है नदी मंथन, लेकिन मुंह से क्या करती थी, कृष्ण का गुणवान कीर्तन। गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, हमेशा कृष्ण का गुणगान कीर्तन अपने। कर से कर्म करह विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। अरे हाथों से जो कुछ भी काम कर रहे हो ठाकुर जी की सेवा मानकर करो, और हृदय में सब समय गोविंद का स्मरण करो, भगवान का मुख से नाम उच्चारण करो, तब जाकर तो हमारे गृहस्थ जीवन सार्थक है। नहीं तो वही आटा तेल लोन करते करते जीवन चला जाएगा, अंतिम में काल आकर ग्रास कर लेगा, है ना। तो मक्खन का अर्थ क्या हुआ, बोले ऐसा हृदय हमारा प्रस्तुत हो जिसके अंदर, जिसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण साक्षात खींचे चले आए। टीकाकार कहते हैं कि ये मक्खन बनता है कैसे। आप लोगों ने घर में मक्खन बनाए हो, कौन कौन मक्खन बनाया, हाथ उठाओ सब, यहां तो पुरानी गोपियां हैं, सबने घर में मक्खन बनाया है। देखो मक्खन कैसे बनाते हैं, मक्खन बनाने के लिए पहले चाहिए दूध, दूध को गर्म करना पड़ेगा। दूध को गर्म करते 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 जब वो घना हो जाता है, उस समय पे उसके अंदर जावन देते हैं, है ना, तब जाकर उसका दही बनेगा। यहाँ पर कहते हैं कि भैया मक्खन यदि हमारे हृदय रूपी, हृदय को मक्खन के रूप में प्रस्तुत करना है तो क्या करना होगा, हमें भी इस दूध को घना करना होगा। ये दूध क्या है, श्रद्धा। एक साधक के हृदय में जब श्रद्धा उपस्थित होती है, जब उसके हृदय में आ, जैसे आप लोगों के हृदय में श्रद्धा है, तभी जाकर तो यहाँ भागवत कथा श्रवण करने आए हैं, वृंदावन से साधु आए हैं उनके पास में जाते हैं, कुछ ज्ञान की कथा सुनने को मिलेगी, तो ये क्या है, ये साधु के प्रति श्रद्धा है। जब ये श्रद्धा गर्म होती होती, अर्थात घनीभूत होती है, जब ये श्रद्धा एक गाढ़ा रूप धारण करती है, तब जाकर क्या होता है, उसके अंदर जावन डालो। जावन डालना मतलब किसी सदगुरु के मुखारविंद से मंत्र श्रवण करके, दीक्षा ग्रहण करके, और उसके अंदर जावन लेना। दूध के अंदर जब तक जावन नहीं दोगे दही नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार अपनी ये प्रगाढ़ श्रद्धा को जब तक किसी शुद्ध साधु के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, किसी संत के शरणागत नहीं होगे, तब तक दही नहीं बनने वाला। साधु से अब हमने मंत्र ले लिया, दही जम चुका, अब क्या दही जम के बैठे रहो, बोले नहीं,
मंथन करना पड़ेगा। मंथन का अर्थ क्या हुआ? बोले साधु ने जो उपदेश दिए हैं, साधु ने जो शिक्षा दी है, उसका पालन करो। अरे अगर आप किसी साधु के पास में आओगे तो क्या साधु आपको क्या खुद की सेवा में नियुक्त करेगा? नहीं। एक सच्चा साधु सब समय आपको तीन चीजें देगा, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहली बात, गले में ये कंठी। आप अगर पुराण पढ़कर देखेंगे उसके अंदर वर्णन आता है, जो भगवान ने चार वैष्णव संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय प्रशस्त किए हैं, उसके अंदर ये तीन चीजें आपको जरूर मिलेगी। गले में तुलसी की कंठी, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक और भगवान का नाम। ये तीन चीजें ही किसी गुरु जी के, किसी भी गुरु के पास में, किसी भी साधु के पास में आएंगे, आपको वो तीन चीजें प्रदान करेगा। इसीलिए हमारा क्या कर्तव्य है? मंथन मतलब ये तीन चीजें साधु से ग्रहण करके और उसका अभ्यास करो, साधन करो। गुरु जी ने माला को दे दी, लेकिन माला घर में गुरु जी से ले आए और घर में जाकर टांग दी, घर में जाकर टांग दी, माला वाला करना छोड़ दिया। वो इतने दिनों से टंगी हुई थी, चूहे ने आकर उसके अंदर बच्चे दे दिए, उसको कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था, उसने सोचा ऐसे खाली है, जाकर चूहे ने उसमें बच्चे दे दिए। भैया ऐसा नहीं, गुरु जी से अगर माला ग्रहण करी है, माला ली है, तो क्या करना होगा? नित्य नियमित रूप से उसका जप करना पड़ेगा। यही तो मंथन है, यही तो साधन है। गुरु जी ने गले में तुलसी की कंठी दी, ये तुलसी साधारण नहीं, ये तुलसी साधारण नहीं। कितने ही दिनों से हम तुलसी कंठी की महिमा सुन रहे हैं, ये तुलसी कंठी अगर गुरु जी ने प्रदान करी है, भैया मृत्यु जब तक ना आए तब तक ये तुलसी कंठी छूटती नहीं चाहिए। ये तुलसी कंठी मृत्यु पे भी हमारे साथ में रहेगी, जलाते वक्त हमारे साथ में जल जाएगी, लेकिन जब तक गले में तुलसी कंठी आ गई, मतलब कभी कुछ कारणवश यदि टूट जाए, जब तक कंठी वापस ना पहन लो, गुरु जी कहते थे पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तुलसी कंठे के बिना जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो अपवित्र है, वो अपवित्र है। इसलिए क्या करो, बोले कंठी हमेशा गले में रहनी चाहिए। और ये तिलक, ये ऊर्ध्वपुंड तिलक जो लगाते हैं, शास्त्रों में ऊर्ध्वपुंड तिलक की बड़ी महिमा गाई गई है। ऊर्ध्वपुंड रंग्रजं सौम्यं यच्चिन्नं धारयेत् यदि सचण्डालोऽपि शुद्धात्मा पुण्य एव सदा द्विज। अगर किसी साधक के ललाट पर ये ऊर्ध्वपुंड तिलक सुशोभित है, तो भले ही वो चंडाल कुल में भी जन्म क्यों न ले, किसी नीच जाति में जन्म क्यों न ले, तब पर भी क्या होगा, पूज्य एव सदा द्विज, ब्राह्मण से भी ज्यादा पूज्यवान हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इतनी महिमा इस तिलक की। हम आगे जाकर श्रवण करेंगे, किसी समय पर भगवान कृष्ण को बुखार हो गई, बड़े ध्यान से सुनिए इस तिलक की महिमा। किसी समय पर भगवान ने ऐसी लीला करी कि उनका सरदर्द बुखार हो रहा है। अभी नारद जी वहां पर आए, पूछने लगे कि हे ठाकुर, आपका नाम स्मरण करने मात्र से लोगों को ये भवबंधन से पार हो जाते हैं, उनके समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती है, कहां आप आज ये बुखार और सरदर्द का नाटक कर रहे हैं? बोले हाँ नारद, आज मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा है। अच्छा बतलाइए तो इसका उपचार क्या है? बोले यदि कोई मेरा भक्त मुझे अपने चरणों की रज लाकर दे दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। नारद जी कहने लगे कि आपके भक्त अपनी चरण रज आपको देंगे? बोले हाँ नारद, मैंने सुना है तुम भी मेरे बड़े भक्त हो, अपनी चरण रज मुझे ला दो। बोले ना बाबा, आपको चरण रज देकर क्या हम नरक में जाएंगे? उस समय पर नारद जी सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन कोई उनको देने को राजी नहीं था। अंत में जब ब्रज से ब्रज गोपियों के पास में गए, तब जाकर ब्रज गोपियों ने ये चरण रज दी है, और उसी से ठाकुर जी ने भी स्नान किया। ये जो तिलक हम लगाते हैं, ये ब्रज गोपियों की चरण धूली है, इसको साधारण मत समझिए। इसलिए क्या करना है? बोले मंथन का मतलब है इन तीन चीजों को पक्की रखो, तिलक, कंठी और भगवान का नाम। जब ये मंथन करेंगे, मंथन करने पर क्या होगा? बोले मक्खन उठकर अलग आ जाएगा और नीचे नीचे छाज रह जाएगी, और उसी मक्खन का आस्वादन करने के लिए कृष्णचंद्र चले आएंगे। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसे देखो, भागवत से आप ये तीन चीजें अपने साथ में अवश्य लेकर जाइएगा, तुलसी कंठी, ललाट पर तिलक और भगवान का नाम। सर्वश्रेष्ठ ये तीन ही वस्तु है। अगर ये तीनों वस्तु आपने अपने जीवन में अपना ली, ये ग्रहण कर ली, तो हमें लगेगा कि हमारा भागवत करना सार्थक हो गया और आपका भागवत श्रवण करना सार्थक हो गया। नहीं तो वही है कि भैया आए थे, दो दो तीन तीन घंटे तक बैठे भी सही और यहीं पर
पल्लू झाड़कर चले गए। ठीक है, भगवान का नाम जरूर अपने जिसके बिना काम नहीं चलेगा। भगवत नाम यदि ग्रहण नहीं किया तो यमदूत तो खड़े ही हैं आपको लेकर जाने के लिए, डंडे मार मार कर यमराज के पास में लेकर जाएंगे और नरक की यातना भोग करनी पड़ेगी। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। एक और दोनों हाथ उठाकर सभी बोलिए, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गुरु जी का आदेश हुआ है एक कहानी के माध्यम से आपको भगवत भजन की महिमा को समझाने का। आप देखिए, प्रश्न हो सकता है कि हमारी लाइफ तो बढ़िया ही चल रही है, सुबह आराम से उठते हैं, स्नान ध्यान करके खाते पीते हैं, टीवी देखते देखते दिन चला जाता है, रात में फिर वापस कुछ रसोई में लग जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। फिर ये भगवत भजन करने का, ये माला कंठी तिलक जो आप कह रहे हो, ये सब करने की क्या आवश्यकता है, प्रश्न उठ सकता है। एक कहानी के माध्यम से समझने की चेष्टा कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक समय में एक भिखारी रास्ते पर भीख मांग रहा था। रास्ते पर भीख मांगते मांगते सामने एक सेठ जी जब आए, सेठ जी से उसने भिक्षा करी, बोले बाबा कुछ भिक्षा में दे दो, कुछ भीख दे दो। सेठ जी उसको देखकर कहने लगे कि तू देखने में तो हट्टे खट्टे लगते हो, अपना कमा के नहीं खा सकते, क्यों भीख मांग रहे हो सड़क पे। भिखारी सेठ जी से कहने लगा कि देखो बाबा, मैं जो भी कुछ काम करने की चेष्टा करता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ, कोई सक्सेस नहीं मिलती, कोई उत्तीर्णता नहीं मिलती, इसलिए क्या हो रहा है, सड़क पे भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, आप भी दया करके भीख दे दो, उपदेश मत दो। तो सेठ जी उससे कहने लगे कि देखो, अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो मैं अपने बिजनेस की पार्टनरशिप तुम्हें दे सकता हूँ, बिजनेस में हिस्सेदारी तुम्हें दूंगा। अब ये बात सुनते ही तो भिखारी बड़े आनंदित हो गया, बोलिए क्या कह रहे हैं आप, बताओ सड़क पे रस्ते चलते भिखारी को कोई बिजनेस की पार्टनरशिप देगा, कोई देगा? लेकिन फिर भी सेठ जी देने को राजी हो गए और भिखारी भी उस बात को सुन के बड़ा आनंदित हो गया, बोले बिजनेस की ओनरशिप अच्छी बात है। सेठ जी कहने लगे कि देखो 50% नहीं, मैं तुम्हें अपने बिजनेस की 90% पार्टनरशिप दूंगा। कितनी कितनी कितनी? 90% पार्टनरशिप भिखारी की और महीने के अंत में 10% मुनाफा सेठ जी का, ये डील हो गई। अभी भिखारी इस बात को सुनकर बड़ा आनंदित हो गया, बोले अच्छी बात है भैया, आराम से रस्ते चलते भीख मांग रहे थे और कहां बिजनेस की ओनरशिप मिली है, 90% मेरा 10% सेठ जी का। दिन दोगुनी रात चौगुनी करके उसने खूब बढ़िया से बिजनेस चलाया। सेठ जी जब पहला महीना खत्म हुआ सोच रहे थे 10% लेकर मुनाफा आएगा भिखारी, लेकिन जब पहला महीना निकला ना, भिखारी कुछ भी नहीं लेकर आया, कुछ भी लेकर नहीं आया। सेठ जी इंतजार कर रहे थे कि भैया क्या चक्कर है, पहला महीना निकल गया ये लेकर क्यों नहीं आया। फिर सोचने लगे हो सकता है काम में बड़ा व्यस्त है, इतने बड़े बिजनेस की ओनरशिप दी है, काम में व्यस्त होगा, दूसरे महीने 20% आ जाएगा, कोई नहीं। सेठ जी ने दूसरे महीने भी इंतजार किया लेकिन दूसरे महीने भी नहीं आया, दूसरे महीने भिखारी कुछ नहीं लेकर आया। अभी तीसरा महीना, तीसरे महीने का भी इंतजार किया, 4 महीने हुए, 6 महीने निकल गए ऐसे, लेकिन भिखारी कुछ भी लेकर नहीं आया। सेठ जी सोचने लगे कि क्या हुआ भैया, इसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, एक बार जाकर खोज खबर तो ले लूं, कहां है, जिंदा है कि मर गया। सेठ जी जब उसका खोजते खोजते आए हैं, उसने देखा भिखारी के तो खूब वारे न्यारे हो गए, क्या ठाट हो रहे हैं भिखारी के, इतना बड़ा उसने बिल्कुल महल जैसा बंगला बना लिया, घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है और भिखारी भी वहां से सूटेड बूटेड बड़े बढ़िया कपड़े पहन के और जैसे घर नीचे उतर के आ रहा था, सेठ जी घर में घुसे हैं। सेठ जी को देखकर अब पहचान भी नहीं रहा, 6 महीने हो गए, सेठ जी की शक्ल भी भूल गया। जाकर सेठ जी पूछने लगे कि भैया मेरे को पहचानते हो, बोले आप कौन साहब। भिखारी क्या कहता है, आप कौन,
बोले मुझे नहीं जानते। अरे जिसके बिजनेस की ओनरशिप लेकर, जिसके बिजनेस में हिस्सेदारी लेकर तुम्हारे इतने ठाट बाट हो रहे हैं, वो बिजनेस मेरा ही है, मैं वही सेठ हूँ। बोले अच्छा अच्छा, राम राम जी राम राम, याद आ गई, स्मरण आ गया। बोले ठीक है, बहुत एहसान किया, स्मरण कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, हमारी क्या डील हुई थी? बोले क्या डील हुई थी? बोले हमारी डील हुई थी ना कि बिजनेस की 90% हिस्सेदारी तुम्हारी, लेकिन महीने के अंत में 10% मुझे लाकर देना होगा। बोले हाँ ऐसी कुछ बात तो हुई थी। बोले मुझे एक बात बताओ, पहला महीना तुम नहीं आए, दो महीने नहीं आए, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, तुम तो 10% क्या कुछ भी नहीं करने आए मेरे पास में, तुम तो कुछ भी लेकर नहीं आए। वो भिखारी सेठ जी से कहता है कि देखो सेठ जी, पूरे महीने गधे की तरह काम तो करूं मैं, सारे बिजनेस की माथा फोड़ी मेरी, और महीने के अंत में आपको 10% लाकर दे दो, किस बात का? पूरे महीने काम करना है मुझे, आपको घर बैठे में महीने के एंड में 10% लाकर दे दूं, क्यों? ये बात सुन के तो सेठ जी के होश उड़ गए। आप विचार करके देखिए, आपने किसी को अपने बिजनेस की सारी ओनरशिप दी है और महीने में 10% की आशा से बैठे थे, लेकिन यदि आपके साथ ऐसा कोई करे तो आप उसे क्या कहेंगे? आपके साथ में ऐसा कोई करे तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या शब्द होंगे आपके पास में उसके लिए? बेईमान। और देखो वो बेईमान व्यक्ति और कोई नहीं, वो बेईमान व्यक्ति हम ही हैं। बड़े ध्यान देकर सुनिए, हम बेईमान, वो नमक हराम, वो चोर, वो हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ प्रदान करने वाले वही सांवरिया सेठ हैं। उनकी ही कृपा से आज हमारे पास जो कुछ है वो उन्होंने ही प्रदान किया है। वो सेठ जी अगर हमें चाहते तो सड़क का भिखारी बना देते, सड़क पे हम भी भीख मांग रहे होते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके हमें एक समृद्ध परिवार में जन्म दिया, हमें लूला लंगड़ा अंधा ना बनाकर और हमें बड़ी सुंदर काया दी। भगवान ने तो हमें सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन उनसे सब कुछ प्राप्त करने पर भी हम उनके साथ में जो वादा करके आए थे, कल सुन रहे थे ना, कल हम सुन रहे थे किस प्रकार एक जीव जब माँ के गर्भ में होता है, सर नीचे की तरफ पैर ऊपर की ओर, इतना दुख कष्ट पाता है, तब भगवान को पुकारता है, बोले हे प्रभु आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। बोले यहाँ से बाहर निकल के क्या करोगे? बोले प्रभु मैं समझ गया, आपका भजन करने के लिए ही मानव देह प्रदान करते हैं आप, मैं आपका भजन करूंगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की डील हो गई, आप मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो, मैं आपके साथ में वादा करता हूँ मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भूमि पड़त भाड़ा भर पानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी। मातृगर्भ में जब रहता है जीव तब तो बड़ा ज्ञान रहता है, लेकिन बाहर निकलते ही माया ग्रास कर लेती है। भगवान के साथ में जब वादा करके आए हैं सब भूल जाते हैं, भगवान का भजन गया एक तरफ और हम लग जाते हैं संसार में। सेठ जी जिस तरह से 10% की आशा कर बैठे थे, भगवान से भी हम डील करके आए हैं कि हे प्रभु हम आपको 10% देंगे। 10% क्या पैसा? भगवान हमसे 10% पैसा चाहते हैं? नहीं, भगवान हमसे 10% समय चाहते हैं। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे का 10% यदि निकालोगे 2.5 घंटा कुछ होता है। भगवान कहते हैं कि इस 24 घंटे में से 2.5 घंटा मुझे दे, प्रत्येक दिन मुझे तुझे देना पड़ेगा, ये तुम्हारी डील करके आए हो। और इस डील को अगर नहीं मानते, हमारे सूरदास कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलखामी। सूरदास वर्णन करते हैं कि भैया मेरे समान कुटिल, मेरे समान खल, मेरे समान नमक हरामी कौन होगा कि जिसने सब कुछ प्रदान किया आज मैं उसको ही भूल के बैठ गया। ताही बिसराई, जिस भगवान ने सब कुछ चीज हमें प्रदान करी, जन्म से लेकर अब तक नाक के पास में ऑक्सीजन रखती है। अरे कोरोना के समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रेट पता चली ना, ऑक्सीजन की महत्व तो पता चल गया, लेकिन वही ऑक्सीजन हमको जन्म से अब तक प्रदान कर रहे हैं फ्री में। क्या किया उनके लिए, केवल मात्र लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं।
दिन में सूर्य की रोशनी प्रदान होती है उसके लिए कितने लोगों ने बिल भरा है? ये बिजली चल रही है उसका तो बिल हर महीने देना पड़ता है, देते हो ना? महीने के महीने आपके पति लोग जाते होंगे, जमा करके आते होंगे, लेकिन दिन में सूर्य की रोशनी के लिए कितने लोगों ने बिल भरा? बस लेते जा रहे हैं। इसीलिए जिसने सब कुछ प्रदान किया उसके लिए यदि कुछ भी हमने नहीं किया तो भैया नमक हरामी कहलाओगे। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान के लिए समय दो। अरे 10% नहीं दे सकते, कम से कम 5% से आरंभ तो करो। एक घंटा तो भगवान के लिए दो, आधा घंटा दो, कम से कम चालू तो करो। आधा घंटा भगवान को देना मतलब ये भगवान का नाम जप करना। कलयुग में सबसे सहज उपाय है भगवान का नाम। हम देखो पहले श्रवण कर चुके हैं, सतयुग के लोगों की तरह हम यज्ञ नहीं कर सकते, त्रेतायुग के लोगों की तरह हम तपस्या नहीं कर सकते, भगवान की अड़चन पूजा इत्यादि मार्ग हमारे लिए नहीं है, बड़ा कष्टदायक है वो, हमारे लिए सुलभ नहीं। भगवान कहते हैं कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर मानव शरीर बड़े कष्ट के बाद में बड़े दुर्लभ है, आपको अनायास भगवान ने प्रदान कर दिया। केवल मात्र मानव शरीर में ही हमको ये एक जिह्वा मिली है जिससे राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो। किसी कुत्ते को जाकर बोलो राम और कृष्ण नाम लेने के लिए, क्या वो बोल पाएगा? किसी जानवर को, किसी भी जानवर, किसी भी पक्षी को बोलो भगवान नाम उच्चारण करने के लिए, नहीं कर सकता। केवल मात्र मानव शरीर में ही हमें ये सुलभता मिली है कि भगवान का नाम जप करके अपना मानव जीवन सार्थक कर ले। कोई भगवान के धाम में हम चले जाएं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, अरे दोहा रट लेने से नहीं होगा, अपने जीवन में अपनाओ उसे। भगवान का नाम जप करो, 10% नहीं तो 5% कम से कम दो भगवान को। हाँ बोलो तो कौन 5% देगा? हाथ उठाओ तो कौन 5% देगा? यहाँ के लोग तो बड़े जो लोग नमक हरामी है वो लोग नहीं उठा रहे हाथ, वो लोग नहीं देना चाहते भगवान को। क्या फिर क्या हाथ नहीं उठा रहे हो? कभी नमक हरामी है फिर जो हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या चक्कर है? हाँ यहाँ के भक्त लोग बहुत, हापुर के भक्त लोग बहुत अच्छे, ताली बजाओ सब आप लोगों के लिए। सब कहते हैं 5% देना, 5% मतलब है सवेरे ध्यान देकर सुना, सवेरे नहा धो करके ठाकुर को सामने थोड़ी समय बैठो, ठीक है ना? बैठ करके जो माला लिए हो, जो लिए तो अच्छी बात, जो नहीं लिए ये कथा के बाद तुम यहाँ से आगे ले जाना, ठीक है? माला लेकर के 5% मतलब होता है 10% होता है 2 घंटा 40 मिनट, 5% होता है 1 घंटा 20 मिनट। अगर 1 घंटा 20 मिनट नहीं बैठ सकते हो, कम से कम आधा घंटा तो बैठो, ठीक है? आधा घंटा बैठो, अगर इतना भी नहीं और थोड़ी एक माला तो करो, 10 मिनट बैठ सकते हो, बैठ सकते कि नहीं? इसलिए ठाकुर के सामने बैठ करके, कोई कोई बोलते हैं ना हमारे पास में समय नहीं, कोई कोई बोलते हैं ना, ध्यान देकर सुनो, कोई कोई बोलते हैं हमारे पास में समय का भजन करने का। देखो हमारे गुरु जी एक अच्छी बात कहते थे, गुरु जी कहते थे देखना, संसार में प्राय करके जो हम काम करते हैं अपना परिवार को कैसे खुश करें, अपना लिए देखना बहुत कम करते हैं। जन्म माता है घर में, कभी कभी ऐसी स्थिति होगी सबको रोटी खिला करके, सब्जी खिला करके कुछ बचता नहीं होगा, 2 रोटी नमक से खा लेती है, कभी ऐसे जीवन गया कि नहीं?
अपना बच्चों को कैसे खुश करे, पति को कैसे खुश करे, सास को कैसे खुश करे, ननद को कैसे खुश करे, है ना। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, अभी तक संसार में तुम्हारे ऊपर कोई खुश हुए? अभी तुम्हारे ऊपर में संसार में कोई खुश है? बताओ। देखना तुम्हारे पीछे चुगली के सिवाय तुम्हारी कुछ भी नहीं होती है। ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुख ही दुख ही सहने का। ये संसार में हमें चुगली के सिवाय कुछ नहीं देंगे। जब चुगली मिलेगा तब भगवान के लिए भैया कुछ क्यों नहीं करते हो? अभी सुन देखना, जब भगवान की अंगुल कट गई तो द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ करके ब्रांडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं भैया इसकी रीढ़ी का उतार, कब रीढ़ी का उतार, भरी सभा में जिसके पांच पांच पति कोई काम नहीं आए, काम में आए तो कौन काम में आए, वो सावरी आई आए कन्हैया आई आए, ठीक है ना। इसलिए सवेरे नहा धो करके माला लेकर के थोड़े समय भगवान की नाम का जप करो। पहले हम सुन रहे थे ना चार भोगों की कथा, सुने कि नहीं? कौन सा भोग साथ में गई है? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करके जो रखा था, मतलब जो भगवान की जो नफरत करके, भक्ति को नफरत करके, भगवान का नाम को नफरत करके रखा था, वही लास्ट में गई, ठीक है। सबके सब माला लेकर हरिनाम करना। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गिरिराज बाबा की जय। आज भगवान की गिरिराज पूजा है, गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है। हमारे भक्त लोग देखो कितने कितने सब सामान को लेकर के आए, सारे सामान को सजा दो भैया, सब सजा दो और सबको ऊपर में एक ही तुलसी की पता रखो, तुलसी पता फटाफट खोल करके सजाओ और सबको ऊपर में तुलसी पता रखो। जो जो लाए हैं सारे चीज ही गिरिराज की सेवा में लगनी चाहिए, जो जो श्रद्धा भक्ति से लाए सब में तुलसी पता दे दो और इसको सब प्रसाद सबको मिलनी चाहिए। आज किसने प्रसाद दिया है, दिया है किसने दिया? बाना जी और किसने दिया? क्या नाम आपकी? नरेंद्र कुमार जी। और किसने दिया? बालाजी, बालाजी, ठीक है। आप इनके लिए ताली बजाओ थोड़ी जाओ। देखो गिरिराज की पूजा में जो एक अन्न की दाना गिरिराज की सेवा में लगाए, गिरिराज जी वरदान देते हैं, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र के अभाव नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, हैं। अभी गिरिराज जी कथा सुना। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। आप जयकार उनको जयकार करो और एक बार जोर से बोलो। देखो जो जितने जोर से जयकार गिरिराज की जयकार है, बड़ी गिरिराज की जय, गिरिराज तो जय है ही है, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा उसको उतना ही जय जयकार होगी, हैं। इसलिए जोर से बोलो, बोले गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। देखो हमारे भाई लोगों ने इतने सुंदर गिरिराज बनाए, इनके लिए ताली बजाओ, इसने इतने सुंदर गिरिराज बनाए। भैया कौन गिरिराज को बनाए हैं? क्या नाम भैया जी? गौरव त्यागी। ये बच्चा बहुत अच्छा है, आज आकर के देखो गले में तुलसी का तिलक लेकर गया और उसको ना अकेले नहीं, उसको महाबुद्धि दोनों महा लेकर के आए, एक जसोदा और एक देवकी है, दोनों को लेकर के आए और दोनों को लेकर के माला लेकर गई। ये बच्चा ये लड़का बहुत अच्छा है, इसकी माता जी बोल रही थी ठाकुर जी के लिए अपना लिए कपड़ा कभी घर से नहीं करता है, देखता है घर में ठाकुर जी के लिए कोई कपड़ा है कि नहीं ठाकुर जी की, इसलिए इसको जो पैसा मिलता है ठाकुर जी के लिए कपड़े खरीदी करके बच्चा ठाकुर को बड़े सुंदर देख लेना, ठाकुर जी को बड़े सुंदर ये श्रृंगार करता है, ठीक है भैया। सब सामने से हट जाओ, सब सामने से हट जाओ, कभी गिरिराज की कथा होगी। इसको बाद में ना और थोड़ी दूर आगे ले जाना, सबके सब ये गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं स्वयं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, इतने कष्ट करके ये मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा? जो कुछ गिरिराज से मांगो गिरिराज जी सारी इच्छा को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं।
इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, सारी इच्छाओं को ये पूरी करने वाली से ब्रज में कुछ भी ब्रजवासियों का कोई आपत्ति विपत्ति कुछ भी चीज हो, सबसे पहले ये गिरिराज के पास में जाते हैं। गिरिराज भी परिक्रमा करते हैं, क्यों? यही गिरिराज सभी की झोली ये गिरिराज ही भरने वाले हैं, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा कलयुग में। इसलिए कल सुन रहे थे ना, जिनका बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, जिनकी कोई नौकरी चाकरी नहीं, गिरिराज में जाओ, उनकी परिक्रमा कराओ, गिरिराज के अभिषेक करो, ये गिरिराज सब इच्छा को भी पूरी करने वाले गिरिराज। वो बड़े गुरु जी कहते थे ये जागृति की वस्तु तो ये आसानी से ही दे देते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी वस्तु है ठाकुर की भक्ति, ठाकुर जी को सेवा, और ये जन्म मृत्यु का चक्कर से भी ये चिरकाल के लिए मुक्त करके अपना धाम में ये गिरिराज जी स्थान देते हैं। बोले गिरिराज महाराज की। देखो गिरिराज की जो कथा है वो अलग अलग पुराण में अलग अलग कथा थी, कहते गर्ग संहिता में इनकी कथा आती है। ये गिरिराज जी प्रकट कहाँ से हुए हैं? बोले गिरिराज जी बोले प्रकट है मनसा जात, ये राधा जी के हृदय से ये गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। एक दिन कृष्ण राधा रानी से बोले, बोले देखो राधे मैं मरते जगत में जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोली मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ गिरिराज नहीं, जमुना पटराज नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। कृष्णा बोले देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं उतरूंगा, अकेला थोड़ी जाऊँगा, ये संपूर्ण ये गिरिराज संपूर्ण ये गोलोक वृंदावन में मरते जगत में प्रकट करूंगा। तब राधा रानी बोली फिर तो मैं जाऊंगी। कहते ये एक कथा आई। दूसरी कथा आई, कहते कृष्ण का जो नेत्र है ना, भगवान के नेत्र से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। जब ये गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन से ये मर्त्य जगत में प्रकट हुए, बोले ये सालमली द्वीप में द्रोण और धरा, द्रोण मतलब द्रोणाचल पर्वत, धरा मतलब ये पृथ्वी, इनकी बच्चे बन करके, मतलब ये गिरिराज एक पहाड़ रूप लेकर के ये गोलोक वृंदावन से प्रकट हुए। जब प्रकट हुए जितने देवता लोग उस स्वर्ग से पुष्प की पौछार की और गिरिराज की उन्होंने जयकार किए। बोले गिरिराज बाबा की जय। कहते जो गिरिराज गोवर्धन है ये है कौन? बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान ने बांके बिहारी की घोर तपस्या की। जब बांके बिहारी राधा रानी प्रसन्न हो गए, बोले पर मांगो, बोले प्रभु आपके चरण की हम